मेरा नाम रविकांत है। नमस्ते, आप सबका इस कार्यक्रम में, जो कि नए साल का पहला कार्यक्रम है और इस श्रृंखला का तीसरा कार्यक्रम है, उसमें स्वागत है। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज सुधीर जी बातचीत को लीड करेंगे। ये आप जो आते रहे हैं लोग, उनको ये एहसास हो गया होगा कि ये संगीत प्रेमियों का, खास तौर पर फिल्म संगीत प्रेमियों का, और अगर उसको विस्तार दें तो सिनेमा से मोहब्बत करने वालों का एक सामुदायिक समूह है, जो उस तरह से पूर्णतः अकादमिक नहीं है, लेकिन उसका उसका जो पैशन है इस विषय को लेकर, वह कहीं से कम नहीं है। और उनकी जानकारियां जो है अलग ढंग की है, उनके जो पर्सुएशंस हैं वो अलग ढंग के हैं, उनका जो लेखन है वो अलग ढंग का है, उनका चिंतन अलग ढंग का है। और हमारी कोशिश CSDS में इस श्रृंखला को करने के पीछे ये है कि हम कहीं ना कहीं दोनों विमर्शों को एक साथ लाएं, जो एक अकादमिक, शुद्ध अकादमिक विमर्श है, और जो आप कह सकते हैं कि लोकप्रिय विमर्श है, उतना भी लोकप्रिय नहीं, लेकिन हाँ, एक मध्य धारा का विमर्श मैं इसको कहूंगा। लेकिन ये है कि ऐसे लोगों का समूह है जो प्रतिबद्ध हैं अपने अपने काम के प्रति, उन सितारों के प्रति जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, उन गाने वालों के प्रति, लिखने वालों के प्रति और बजाने वालों के प्रति, संगीत के प्रति। तो मैंने जितना इस समूह को जाना है अब तक, उसके बारे में मेरी राय यही बनी है। तो सुधीर जी का बहुत बहुत स्वागत है, आइए हम सब इनका स्वागत करें और आप सबको नया साल मुबारक। सुधीर जी को मैं अब 3-4 साल से तो जान ही रहा हूँ, और इनके पास बहुत सुंदर पुस्तकालय है, इनको इनकी दिलचस्पी बहुत है, इनके पास डेटाबेस बहुत खूबसूरत है सिनेमा को लेकर के और खास तौर पर फिल्म संगीत को लेकर के। वैसे तो ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर हैं, ठीक है, लेकिन IT प्रोफेशनल जिसको कहा जाता है वो हैं, लेकिन इनका दिल कहीं और रहता है। और वो अपने, तो हमारी कोशिश यही थी कि हम उस संक्रमण काल को रिविजिट करें जहां पर बाकी धाराएं सिनेमा में आकर मिल जाती हैं और सिनेमा को एक नया रूप देती हैं। पारसी थिएटर है, जैसे कि संजीव जी ने पिछली बार हमारी एक प्रस्तुति की थी और उसके पर साइलेंट सिनेमा पर, तो ये जो साइलेंट से, मूक से, सवाक सिनेमा जिसको कहते हैं, मुखर सिनेमा जिसको कहते हैं, हमें जो संक्रमण होता है उस वक्त को और समझने की हम लोग कोशिश करें, जिसमें साउंड का सवाल है, जिसमें बहुत सारी ऊर्जाएं लगी हुई हैं, रचनात्मक ऊर्जाएं लगी हुई हैं। तो सुधीर जी, मैं ज्यादा कुछ ना करते हुए आपको फ्लोर देता हूं, और हम ये श्रृंखला बहुत ही रिलैक्स ढंग से चलाते हैं, इसलिए कभी आगे कभी पीछे, हम कोशिश करेंगे कि जब तक प्रस्तुति शुरू नहीं हो तब तक हम समोसा आदि न, मतलब बातचीत हमारी शुरू नहीं हो, प्रस्तुति खत्म ना हो जाए तब तक हम लोग समोसा आदि न खाएं। आपकी शिकायत बिल्कुल सही है। तो सुधीर जी आइए, आपका स्वागत। हाँ जी, नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। रविकांत जी ने अभी बताया कि इनका भी यहाँ पे पहला सेशन है साल का, तो सबको बहुत बहुत स्वागत है इसमें। हम लोग सिनेमा और संगीत, संगीत स्पेशली जो फिल्म का गीत है, उसकी हिस्ट्री और उसकी रचना के बारे में बातें कर रहे हैं। और आज हम इस श्रृंखला के तीसरे पड़ाव पे आए हैं, और इसमें हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील पत्थर की बात करेंगे, जो कि 1931 में आलमारा आई थी, पहली सवाक फिल्म जिसे कहा जाता है।
आपको ये दृश्य जो दिख रहा है इस समय स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत ही वेल नोन और बहुत ही पॉपुलर है। ये इमेज इंटरनेट पे बहुत मिलती है और बहुत सारे आर्टिकल्स में, बहुत सारी पुस्तकों में इसको इस्तेमाल किया गया है। ये सीन आलमारा से है, जहाँ पे मुख्य का जो भूमिका मुख्य पात्र जो इसमें सामने नजर आ रहे हैं, ये वजीर मोहम्मद खान हैं, जिन्होंने इसमें एक फकीर का रोल किया है। और ये इस समय वो वाला महत्वपूर्ण गाना गा रहे हैं जो बहुत ही चर्चित है, मिलता नहीं है ऑफ कोर्स ओरिजिनल में कभी भी, लेकिन ये दृश्य उस समय का है फिल्म में। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारी श्रृंखला सीने संगीत की अनमोल विरासत, सीने म्यूजिक एंड इट्स अबंडेंट हेरिटेज, वी आर ट्राइंग टू ट्रैक हिस्ट्री ऑफ द फिल्म सॉन्ग। और अभी रविकांत जी ने भी कहा और मैं भी बताऊंगा कहाँ से होके आए हैं और आगे हम कहाँ और चलेंगे भी। तीसरा उपाख्यान है आलमारा 1931। और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि हम इसको मील पत्थर इसलिए कहते हैं कि ये बर्थ ऑफ द फिल्म सॉन्ग माना जाता है, कि यहाँ पे फिल्म का पहला गीत हमारे को मिला। जैसे ही सवाब पिक्चरें आई, पहले ही पिक्चर में हमारे को गीत मिले। बिफोर आई प्रोसीड, मैं कुछ एक्नॉलेजमेंट्स शुरू में ही देना चाहूंगा। इन साथियों ने, इन लोगों ने मेरी बहुत मदद करी है, इंस्पिरेशन के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से और चर्चा के हिसाब से, डिस्कशन के हिसाब से, जो मेरी तैयारी करी है इस प्रेजेंटेशन के लिए, ये इन सब की बहुत मेरी सहयोग रहा है। तो मैं इनका नाम पहले एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। बख्शीश सिंह जी, कुशल जी गोपाल का बॉम्बे वाले हैं, अनूप जी गढ़ोदिया कैलकटा वाले, जिनका सहयोग बहुत ही रहा है। अरुण जी देशमुख बॉम्बे में हैं, इन्होंने भी मेरे को बहुत डेटा से और इंसिडेंट्स दूसरे इंफॉर्मेशन से बहुत मदद करी। संजीव जी तनवर, जिनका साइलेंट सिनेमा से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके साथ लिंक जोड़ना बहुत ज़रूरी था और इनका भी सहयोग मेरे काफ़ी रहा है। और रविकांत जी बहुत ही दिलचस्प तरीके से हमारे को होस्ट करते हैं और उनकी ये होस्टिंग के कारण ही ये श्रृंखला चल पा रही है, जो कि एक सक्सेस मानता हूं मैं। थोड़ा बात रविकांत जी कर चुके हैं सीरीज के बारे में, मैं भी बोला हूं कि, लेकिन इससे पहले क्या आया, जस्ट एक ब्रीफ समरी। पहला सेशन हुआ था नवंबर में, उसमें हमने 1850 से लेके और 1920 तक के स्टेज ड्रामास के बारे में डिस्कशन किया था। बड़ौदा के नरेंद्र शिमाली जी आए थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था और उन्होंने नाटकों का और उन नाटकों का क्या प्रभाव रहा है सिनेमा पे, वो कैसे मर्ज होता है आके अर्ली 20th सेंचुरी में, वो डिस्कस किया था। दूसरा जो सेशन हुआ था वो संजीव जी ने दिया था दिसंबर में, जिसके ऊपर उन्होंने साइलेंट सिनेमा की बात करी थी और साइलेंट होते हुए भी उसमें संगीत का क्या रोल रहा है वो बड़े अच्छे तरीके से वो डिस्कस किया था, और वो स्टेज से कैसे आगे आया है वो संजीव जी ने वहाँ प्रेजेंट किया था। और अब आज के सेशन में हम बात करेंगे आलमारा की। 1931 एक पिवटल पॉइंट बन जाता है हिस्ट्री में, जहाँ पे साउंड आ जाता है सिनेमा में और फिर से उसके बाद में सिनेमा का रूप टोटली चेंज हो जाता है। पचास बरस पहले 1931 में फिल्म आलमारा बनी और हिंदुस्तानी पर्दे पर चलती फिरती तस्वीरों को हमेशा हमेशा के लिए आवाज मिल गई, गीत मिल गए, संगीत मिल गया। संगीत जो इस धरती के रहने वालों के खून में घुला हुआ है, गीत जो इस देश के रहने वालों के सुख दुख के साथी हैं। आलमारा में 6 गीत गाए गए थे, वो अब नहीं मिलते, वो गीत हमसे खो गए हैं। ये क्लिप जो है, ये 1981 में एक प्रोग्राम हुआ था बॉम्बे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम माना जाता है, बहुत चर्चा है उस प्रोग्राम की।
मॉर्टल मैन इमॉर्टल मेलोडीज, उसमें भारतीय सिनेमा के इतिहास में जो जो कलाकार उस समय थे इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, उन सबको इनवाइट किया गया था और एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम प्रेजेंट किया गया था कि गीतों का और फिल्मों की कहानियों के बारे में। शबाना जी ने कहा कि आवाज मिल गई, लेकिन इसका एक जो दुखद पार्ट ये है कि आलमारा खुद नहीं मिलती है फिल्म और ना ही उसके गाने मिलते हैं। लेकिन चलिए हम आज कुछ दूसरे आर्टिफैक्ट्स के मदद से कुछ चीजें रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे आगे चल पाती है ये बात। सेलुलॉइड पे साउंड जैसे आता है, 1927 में हॉलीवुड की पहली पिक्चर आई थी जैज सिंगर जो सवाक थी, और इसमें इट वाज नॉट अ फुल्ली टॉकी फिल्म, इट वाज अ पार्शियल टॉकी फिल्म, लेकिन दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द साउंड सिनेमा एज एज वी से। ये 1927 की इवेंट हुई। इसके बाद में एक पिक्चर आती है 1929 में, शोबोट, और आर्देशीर एम ईरानी जो हम जिनको हम सवाक मूवीज का पितामह मानते हैं, इन्होंने ये पिक्चर देखी 1930 में देखी और इससे प्रभावित हुए, और इनके कुछ और मैं जिक्र करूंगा आगे इसका, तो उससे प्रभावित होकर इन्होंने इस बात के ऊपर तय किया कि मैं इंडिया में भी साउंड फिल्म बननी चाहिए, तो इस इनका इनकी वो शुरुआत वहां से होती है। लेकिन इनके सिनेमा पिक्चर आने से, इनकी आलमारा आने से पहले और क्या हुआ था पहले उसके, कृष्णा फिल्म कंपनी नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी जो बॉम्बे में है, इन्होंने एक टॉकी प्रोग्राम निकाला था जो फरवरी 1931 में रिलीज हुआ। 80 मिनट की ये फिल्म थी जो टॉकी थी, लेकिन ये फीचर फिल्म नहीं थी, ये एक कलेक्शन था 17 छोटे छोटे स्निपेट्स का, और सिर्फ साउंड के प्रभाव को दिखाने के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, एग्जिबिट किया गया था। और इसके अंदर आप देखिए ये लिस्ट है सारी, इसमें जो अलग अलग चीजों का इन्होंने मिला के साउंड स्निपेट्स को, साउंड फिल्म्स के स्निपेट्स को मिला के इन्होंने एक पिक्चर टाइप बना के 80 मिनट का एक प्रोग्राम रिलीज किया था। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मैं लिस्ट तो है आपके सामने, म्यूजिकल है थोड़ा सा, कुछ सॉन्ग्स हैं, कुछ डांस प्रोग्राम्स हैं। तो इस तरह से पहली सवाक फिल्म जो मानी जाएगी वो ये मानी जाएगी, टॉकी प्रोग्राम नंबर वन। इट इज नॉट अ फीचर फिल्म, फीचर फिल्म का श्रेय तो आलमारा को ही जाता है। ये एक एडवर्टाइजमेंट है जो मूविंग पिक्चर्स नाम की एक मैगजीन में से मैंने निकाला था, जनवरी 1934 के इश्यूज में। 1934 तक आते आते तो बहुत से कंपनीज इसमें आ गई थी। आप ही इसी में देख लीजिए कि 21 फिल्मों 21 कंपनियों के नाम हैं इस एडवर्टाइजमेंट में, कि जो ये जो मैन्युफैक्चरर वो कह रहा है कि ये हमारा इक्विपमेंट यूज करते हैं, और इनके आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो बॉम्बे, पूना, कोल्हापुर, बेंगलोर, इवन रंगून और दिल्ली, ये यहाँ पे लिस्टेड है नाम। इसमें आपको बहुत से नाम नहीं मिलेंगे, मीनिंग के बहुत सारे और कंपनियां भी रही होंगी जिनकी इक्विपमेंट यूज होती थी, तो इतना वहां तक 1934 तक आते आते ये प्रभाव इतना हो गया था। और जैसे संजीव जी ने पिछले सेशन में ये भी बताया था कि साइलेंट फिल्मों का जमाना 1934 तक चला। 1931 में साइलेंट ऑडियो फिल्म आ गई थी, साउंड फिल्म्स आ गई थी, लेकिन फिर भी वो साउंड फिल्मों की ट्रांजिशन कंप्लीट होते होते में 3 साल और लगे 1934 के बाद। उसके बाद तो खैर प्रभाव जो है वो सब देखा ही। ईरानी साहब के बारे में बात करें, हम इनको सिर्फ आलमारा के नाम से ज्यादा जानते हैं, कोई बात होती है तो आलमारा और ईरानी, आर्देशीर एम ईरानी, लेकिन इनका जो टोटल काम है वो बहुत इससे ज्यादा भव्य है अगर ये देखा जाए तो।
पूना में इनका जन्म हुआ है 1896 में, और 1885 में ही वॉज बॉर्न इन पूना। बॉम्बे में जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था, और फिर उसके बाद में ये स्कूल टीचर रहे कुछ टाइम पे किसी सरकारी महकमे के साथ केरोसिन इंस्पेक्टर भी रहे, और फिर उसके बाद अपने पैतृक व्यवसाय में जुड़ने लगे थे। इनके जो फैमिली बिजनेस है वो फोनोग्राफ इक्विपमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का था। 20th सेंचुरी के शुरू में इनकी एक लॉटरी लगी, और लॉटरी में इनको उस समय के हिसाब से काफी धन भी मिला, लेकिन इनका अपना मन जो था वो ज्यादा करके सिनेमा की तरफ था। तो जब वो लॉटरी लगी तो इन्होंने एक काम अपना शुरू किया, फिल्म एग्जीबिशन का काम शुरू किया। इन्होंने इक्विपमेंट्स खरीद के और टेंट वगैरह का लगा के टेंट सिनेमा का एक कार्यक्रम शुरू किया, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। इंडिया में हॉलीवुड की यूनिवर्सल मूवीज जो पिक्चर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने काफ़ी साल तक किया, ऑलमोस्ट 50-52 साल तक ये यूनिवर्सल पिक्चर्स के डिस्ट्रीब्यूटर रहे इंडिया में। उसके बाद फिर ये साइलेंट फिल्मों की प्रोडक्शन में भी आए और फिल्म डायरेक्शन में भी आए, उसकी डिटेल आगे देखते हैं। राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म बनी थी, जो पहली फीचर फिल्म मानी जाती है इंडिया की, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इनके हाथ में था, ईरानी साहब के। इसके बाद इन्होंने साइलेंट इरा में 1922 से काम करना शुरू किया है। स्टार फिल्म्स नाम की एक कंपनी पहले बनाई भोगीलाल दवे के साथ, 17 फिल्में बनी। मेजेस्टिक फिल्म्स बनाई बीपी मिश्रा, नवल गांधी, 15 फिल्में। उसका फिर नाम चेंज करके आगे रॉयल आर्ट स्टूडियो किया गया, और 15 फिल्में बनी। इंपीरियल स्टूडियो फिर उन्होंने अपना बनाया और उसके अंदर 62 फिल्में बनाई। फिर इन्होंने इंपीरियल मूवी टोन के नाम से और इंपीरियल फिल्म कंपनी, ये दोनों एक ही कंपनी के नाम है, ये कंपनी सेटअप करी, और इसके अंदर फिर उन्होंने फिल्में बनानी शुरू करी। इनका श्रेय जाता है, देखिए, पहली हिंदी टॉकी फिल्म 1931 में आलम आरा, पहली इंडिया की इंग्लिश टॉकी फिल्म नूर जहां 31 में, पहली पर्शियन फिल्म इन्होंने बनाई दुख्तरे लोर 1933 में, और पहली कलर फिल्म बनाई इंडिया की किसान कन्या। इनका जो पूरा लाइफ का काम है और एकदम मतलब बहुत ही बड़ा है, 158 फिल्में बनाना। हाँ, उस समय साइलेंट फिल्मों के टाइम में आसान होता था, 1-1.5 महीने में फिल्म बन जाती थी, लेकिन फिर भी ए डेडिकेशन इज सीन हेयर के कंटिन्यूसली इन्होंने इस चीज पे काम किया। 158 फिल्मों का इन्होंने योगदान है हमारी हिस्ट्री, फिल्म हिस्ट्री में। आलम आरा के बनने के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। शोबोट से इंस्पायर हुए थे, और एक इनके मित्र है, मित्र कहें इनको, इंपीरियल कंपनी, इंपीरियल फिल्म कंपनी के जो मैनेजर थे दादा साहब तोरने, इनका पूरा नाम शायद रामचंद्र तोरने है, तो इन्होंने इनको बहुत एनकरेज किया कि आप साउंड फिल्मों में आइए और साउंड फिल्मों का अच्छा, दादा साहब तोरने खुद भी एक जर्मन साउंड इक्विपमेंट कंपनी के एजेंट थे बॉम्बे में, और उन्होंने इस चीज़ के लिए उनकी बहुत मदद करी, जर्मनी से टेक्नीशियंस वगैरह इनवाइट करके उनको काम बताने की, काम सीखने की, सिखाने की सब, तो उनका भी इसमें योगदान रहा दादा साहब तोरने का, जिसमें ये माना जाए कि पहली जो फिल्म आती है। फिल्मों के काम में जब ये वेशभूषा वगैरह या इक्विपमेंट की बात मार्केट में होते थे, तो इनका मुलाकात ईरानी साहब की डेविड जोसेफ नाम के एक ड्रामेटिस्ट से हुई है। उनसे बातचीत में उनका एक स्टेज ड्रामा जिसका नाम आलम आरा है, उसको सिलेक्ट किया गया फिल्म आने के लिए। इसमें इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, देखेंगे कि कैसे कैसे इस पिक्चर के आगे बढ़े।
महबूब खान ऑलरेडी इम्पीरियल फिल्म कंपनी से एसोसिएटेड थे और उनकी कंपनी में एक एक्स्ट्रा की भूमिका से शुरू होते होते साइड रोल्स में आ चुके थे, और इनकी बहुत महबूब खान की खुद की ख्वाहिश थी कि वो लीड रोल इस फिल्म का वो करें। लेकिन महबूब खान की स्टार वैल्यू उस समय कुछ नहीं मानी जाती थी और मास्टर विट्ठल को रोप इन किया गया। मास्टर विट्ठल जो कि शारदा मूवी टोन पूना से कनेक्टेड थे, उनको बुलाया गया इसमें। उनको बुलाने के अंदर लीगल ऑब्स्टिकल्स बहुत आए क्योंकि शारदा मूवी टोन ने इनके ऊपर केस कर दिया कि ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हैं और इनको आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। और फिर उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना वो लॉयर हैं जिन्होंने इस केस को लड़ा इंपीरियल फिल्म कंपनी की तरफ से और जीता उसको, और मास्टर विट्ठल को फिर वो यहाँ पे लेके आए। इसके बाद एक जब काम शुरू हुआ तो एक बहुत दूसरा बड़ा ऑब्स्टिकल आया कि मास्टर विट्ठल को हिंदी और उर्दू की डिक्शन का कुछ भी नहीं मालूम था, और उससे इतना वो ईरानी साहब इतने ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। और एक तरह एक टाइम पे तो ये भी हुआ कि शायद चेंज करेंगे, लेकिन फिर वो स्टार वैल्यू के नाम से उनको चेंज नहीं किया। उसका दूसरा रास्ता ये निकाला गया कि डेविड जोसेफ साहब से ये कहा गया कि आप स्टोरी लाइन को चेंज करें, और मेजर चेंजेस ये किए गए स्टोरी लाइन में कि मास्टर विट्ठल इस फिल्म में ज्यादा करके कुछ नहीं बोलते हैं, उनका बहुत ज्यादा मूक प्रेजेंस ही है। वो कहानी अभी हम आगे कहानी सुनेंगे कि वो कहानी कैसे होती है कि ज्यादा टाइम ये एक बेहोशी की हालत में रहते हैं, और वो उसका उसका क्या है वो आगे चर्चा होगी। तो मजेदार चीज ये है, ये अनूप जी से बात करके उन्होंने ये कहा कि इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि पहली फिल्म बनी है जिसमें सॉन्ग्स भी हैं और हीरो के पास एक भी सॉन्ग नहीं है, वो सॉन्ग गा नहीं सकते, उनकी डिक्शन ही अच्छी नहीं है तो कैसे की। पहली जो हीरोइन की बात हुई थी वो सुलोचना रूबी मायर्स की बात छेड़ी गई थी, ये भी इंपीरियल फिल्म कंपनी से उस समय एसोसिएटेड थी, लेकिन इनका भी डिक्शन का और लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन के चलते इनको भी साइड में किया गया और फिर जुबैदा को सिलेक्ट किया गया। सुलोचना जी बाद में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग करके अपनी पढ़ाई करके इन्होंने अपनी डिक्शन सुधारी और आगे पिक्चरों में आई है, लेकिन उस समय आलम आरा वाला चांस इनसे मिस हुआ। प्रोडक्शन टीम जो थी यहाँ इनकी, आप आगे मैं प्रेजेंट करूंगा क्रेडिट्स में, ये ज्यादा करके फैमिली अफेयर रहा। दो तीन कारण थे इसके, एक तो ये था कि जो बाहर से टेक्निकल लोगों को इन्होंने बुलाने का जब बुलाए गए थे और उनसे इन्होंने ट्रेनिंग ली थी तो इनको ये समझ में आई कि नंबर वन ये तो बहुत महंगे पड़ते हैं, जितना जितना पैसा ये मांगते हैं रोज के डेली के हिसाब से वो नहीं, ये नहीं पे करना चाह रहे थे। दूसरे बात ये कि वो अपने फिक्स टाइम से काम करते थे, सुबह इतने बजे शुरू करेंगे शाम को इतना ही बंद करेंगे और उसके बाद काम नहीं होगा उनका। तो इस चीज के चलते ईरानी साहब ने ये चीज बढ़िया करी कि अपने फैमिली के कुछ लोगों को ट्रेन करवा के फिर उनसे सारा काम करवाया, वो बंधन हट गया कि जो फॉरेन टेक्नीशियंस हैं उनका क्या डिपेंडेंस उन पर क्या रहेगी। पहला सॉन्ग जो इंडियन सिनेमा का माना जाता है वो दे दे खुदा के नाम पर, जैसा कि शुरू में ही हमने देखा कि गाने ओरिजिनल तो मिलते ही नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रही इस फिल्म की, ये फिल्म दो बारी दोबारा बनी, 1956 में आलम आरा बनी और 1973 में आलम आरा बनी। दोनों का कथानक कुछ कुछ फेर बदल करके डिफरेंट था, एग्जैक्टली वही स्टोरी नहीं रिपीट हुई थी, लेकिन एक किरदार जो तीनों फिल्मों में है वो है वजीर मोहम्मद खान, उसी रोल में फकीर के रोल में है दोनों पिक्चरों में, आगे वाली में भी, और दोनों पिक्चरों में उन्होंने ये वाला गीत गाया है। जो अब इस गीत के बारे में भी डिस्कशन करेंगे आगे चल के, लेकिन ये गीत उन्होंने 56 वाली फिल्म में भी गाया है और 73 वाली फिल्म में भी गाया है। 56 वाली फिल्म भी नहीं मिलती है इस समय,
और क्योंकि ये गाना रिकॉर्ड पे नहीं है 56 के, बाकी तो 56 वाली फिल्म के बाकी गाने तो मिलते हैं रिकॉर्ड के चलते हुए, लेकिन ये नहीं है। 73 की फिल्म में ये गाना है, 73 की फिल्म मिलती है वीसीडी के ऊपर, और वहां से हमने ये गाना निकाल के शुरू किया। आप कुछ सुनाते हैं इसका जो भी है। हाँ, लिरिक्स वगैरह सेम है, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहता हूँ कि जिस समय ये साउंड इक्विपमेंट आया इनके पास टोरने साहब के थ्रू, जो जर्मन साउंड इक्विपमेंट आया था और उसकी उन्होंने सेटअप वगैरह किया अपने अपने स्टूडियोज में, तो उस समय उन्होंने, टेक्नीशियन ने कहा, जो जर्मन टेक्नीशियन था, कि हमारे को इसको टेस्ट करने के लिए कोई डीजे आदमी जो गाएगा, तो हम उसको शूट भी करेंगे और उसकी ऑडियो भी रिकॉर्डिंग होगी साथ में। तो इनके इनके ग्रुप में एक एक्टर हैं ओमकार देवास्कर, तो उनको आगे किया गया कि आप इस चीज को टेस्ट रिकॉर्डिंग पहली करिए। उन्होंने कभी गाना गाया नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ठुमरी गाई, प्यारे रसिया बिहारी, वो रिकॉर्ड हुई, और वो रिकॉर्डिंग, उनकी रेंडिशन और उनकी रिकॉर्डिंग इतनी बढ़िया थी कि एक टाइम तो इनको ईरानी साहब का आइडिया यही था कि इनको ही ले लेते हैं इस रोल में, फकीर के रोल में। वो आगे चल के वो चीज़ें बदल गई, लेकिन ये रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया हुई ओम देवास्कर के नाम की। लेकिन ये भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, इसको भी सेव नहीं किया गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग साइड है इसकी, कि पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ इस पिक्चर के लिए या इस पिक्चर के बनने के दौरान, वो ओमकार देवास्कर ने गाया, और प्यारे रसिया बिहारी इसकी टाइटल रहा। अभी आपको 73 की जो रीमेक है उसका एक स्निपेट सुनाते हैं। दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की, ले ले। इस वाले स्निपेट का जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये बताता हूं कि हाँ, ये 1931 की फिल्म ओरिजिनल फिल्म से नहीं है, लेकिन इसकी जो आवाज है वो ओरिजिनल है। स्क्रीन पे वजीर मोहम्मद खान ने खुद गाया है, इसके वर्ड्स ओरिजिनल हैं, इसकी जो धुन उन्होंने इस्तेमाल करी है वो वही ओरिजिनल धुन है। तो ये एक तरह से ऑलमोस्ट ओरिजिनल है, नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल शूटिंग। इंटरेस्टिंगली गाना ये इतना ही है, ये दो लाइन का ही गाना है। इसको गाना मान के हम चल रहे हैं, इसका डिस्कशन में आगे करेंगे थोड़ा सा। तो ये इसका आपको मैंने सुनाया, इसका आगे भी थोड़ा और दोबारा चर्चा होगी। अब हम आपको आलम आरा के बारे में एक फिल्म दिखाएंगे। ये फिल्म 21 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी 1981 में। आलम आरा की जो कहानी है, उस कहानी को कैफी आजमी साहब ने एक गीत के रूप में लिख दिया था, और उसको फिल्माया गया था आलम आरा के अवेलेबल स्टिल फोटोग्राफ्स के साथ। ये 20 मिनट का मैं पूरा एक साथ नहीं दिखाऊंगा, ये मैं आपको तीन हिस्सों में दिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके, बीच बीच में हम बाकी डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसका पहला हिस्सा देखते हैं। सुने गौर से बूढ़े बच्चे जवान, कि ये आलम आरा की है दास्तां। पुरानी किताबें हैं उसकी गवाह, कमरपुर में था कोई बादशाह, तरसता था औलाद को बादशाह, हसीने भी दिल से निकलती थी,
मगर बेगमों को वो करता था प्यार, बड़ी का अगर नाम था नौबहार तो छोटी को कहता था वो दिल बहार। महल के था नजदीक एक रास्ता, फकीरों से गुजरा ये गाता हुआ, दे दे खुदा के नाम पे प्यारे ताकत है कर देने की, अरे कुछ चाहे तो मांग ले मुझसे हिम्मत हो कर ले। झरोखे में उस वक्त थी नौबहार, ये आवाज सुनकर हुई बेकरार, कनीजों से बोली के खैरात दो, ये जो मांगे तुम खोल के हाथ दो। सुना जो ये फौरन तो बोला फकीर, मैं जो लूंगा लूंगा तेरे हाथ से, मेरी झोली भर दे तू खैरात से। ये सुनते ही बेगम हुई कुछ उदास, कहा शाह साहब है सब मेरे पास, मगर कोई बेटी कोई बेटा नहीं, बिन औलाद जीना तो जीना नहीं। सुनी उसने बेगम से जिस दम ये बात, उठाए दुआ के लिए उसने हाथ, कहा जल्दी ही देगा बेटा खुदा, उसी से मैं खैरात ले जाऊंगा। दुआ दे के जाने किधर वो गया, कुछ दिन में बेगम के बेटा हुआ, महल में नई जिंदगी आ गई, अंधेरे में एक रोशनी आ गई। मनाया गया शान से जश्न आम, कमर रखा खुशबू के बच्चे का नाम, सभी खुश थे रंजीत थी दिल बहार, समझी थी वो इसको एक अपनी हार। कसम खाई उसने बड़े जोश से के बच्चे को जिंदा न छोड़ूंगी मैं, खिला है जो सौगन के गुलशन में फूल, वो जैसे भी टूटेगा तोड़ूंगी मैं। आदिल तब फौज में सिपह सलार, प्यार उससे करती थी दिल बहार, कहा उसने आदिल से सब दिल कहा, के वो दोनों मिलकर बुने कोई चाल, मगर धोखा आदिल ने खाया नहीं, वो बेगम की चालों में आया नहीं। अचानक वहां आ गया बादशाह, बड़ी उस पे बेगम की जिस दम निगाह, वो कहने लगी तुम पे कुर्बान मैं, तसद्दुक करूं दीनों ईमान मैं, खुदा ने यहाँ तुमको भेजा है आज, नहीं तो किसी तरह बचती न लाज। ये सब सुन के चकरा गया बादशाह, किया कैसे आदिल ने ऐसा गुना, दिया हो मुकैदी बना लो इसे, मौत के कुएं में डालो इसे। तड़प के ये कहने लगी दिल बहार, निगार इसकी बीवी है ऐ शहरयार, पड़ा मेरी इज्जत पे जब इसका हाथ, सजा इसकी बीवी को दो इसके साथ। न कुछ सोचा घर से निकलवा दिया,
कहीं दूर जंगल में फिकवा दिया, वहां आ गया कोई बहरे शिकार, किया दूर से जिसने हिरनी पे वार, हुई चौकड़ी भर के हिरनी परार, मगर गिर पड़ी होके घायल निगार, किसी बात से ना घबराया वो, उसे अपने खेमे में ले आया वो, दिया उसने बच्ची को जन्म, वहां है उस भोली बच्ची की ये दास्तां, दुखी माँ की आंखों का तारा बनी, वही एक दिन आलम मारा बनी, रखा प्यार से सर पे बच्ची के हार, कहीं रो के असलम से उसने ये बात, ये माना है दुश्मन जमी आसमां, जो फिर भी ये बच्ची कभी हो जवान, ये ताबीज पढ़ के सुनाना उसे, है किस घर की बेटी बताना उसे, निगार तुम न कहते ही रुखसत हुई, बहुत कुछ न कहने की हिम्मत हुई, तो पहला हिस्सा हमने देखा, आगे कहानी और चलेगी इसकी, उसके बीच में और कुछ बातें करते हैं। आलमारा के एक्टर्स की लिस्ट बहुत लंबी तो नहीं मिलती है, लेकिन जितनी भी है उसके ऊपर बात करें, आलमारा की जब पब्लिसिटी हो रही थी तो उसमें एडवर्टाइजमेंट में एक जगह पे एक ये वाला जुमला यूज किया गया था, 78 मुर्दे जिंदा हो गए उनको बोलते देखो। अब शायद उनका मतलब ये रहा होगा कि साइलेंट मूवीज में तो नहीं बोलते थे, अब यहाँ पे बोलते आप देखिए, और मे बी 78 लोगों की लिस्ट होगी जो इस पिक्चर में नजर आए हैं, सबके नाम तो नहीं मिलते हैं, लेकिन देखते हैं कि कौन कौन से हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं, कुछ तो इनकी बुकलेट में अवेलेबल है और कुछ इसके अलावा भी देखे गए। मास्टर विट्ठल जो बादशाह के बेटे हैं कमर, जुबैदा आलमारा के रोल में, वजीर मोहम्मद खां फकीर के रोल में, एलाइजर कोटेल नाम है जो बादशाह बने हैं, जिल्लो बाई नवबहार है जो बड़ी बेगम है, सुशीला दिल बहार छोटी बेगम, पृथ्वीराज कपूर सेनापति आदिल, जगदीश सेठी, ये आइडेंटिफिकेशन चेहरे से मिलता है क्योंकि इनकी बुकलेट में सिर्फ जगदीश लिखा हुआ है, इसने शिकारी का रोल किया है, शिकारी के रोल के अंदर एक छोटी सी कंफ्यूजन सी है कि जहां बुकलेट के अंदर नाम दिए हुए हैं वहां पे जगदीश के आगे शिकारी का नाम रुस्तम दे रखा है, और जिस समय हम कहानी पढ़ते हैं और ये कैफी आजमी की भी हम ये जब गीत सुनते हैं तो इसमें असलम का नाम इस्तेमाल किया गया है, तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, सब जगह पे असलम है लेकिन बुकलेट में एक जगह पे नाम रुस्तम लिखा हुआ है। एक एक्टर का एक्ट्रेस का नाम नहीं मिलता, निगार जो आदिल की वाइफ है जो आलमारा की मदर है उसका थोड़ी ढूंढ करी लेकिन एक्चुअल नाम नहीं मिल पाया। इसके अलावा जो लोग थे उसके अंदर चार लोग और आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, एलवी प्रसाद इस पिक्चर में है, याकूब जो साइलेंट मूवीज के टाइम से चल रहे हैं वो भी इस पिक्चर में है, बिब्बो का भी इस पिक्चर में प्रवेश है, इनका नाम इशरत सुल्ताना है, और एक और एक्ट्रेस मिस सखू के नाम से ये भी आइडेंटिफाई करी गई है, तो ये सब क्रेडिट्स जो है एक्टर्स के ये मिलते हैं। हाँ, बीच में ये कहना रह गया, जिल्लो बाई जुलेखा इब्राहिम है उनका असली नाम, जिल्लो बाई के नाम से वो फिल्मों में आई हैं। बिब्बो का आगे क्या रोल हो सकता है इसके बारे में भी कुछ सोच सकते हैं कि कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, बट लेट अस प्रोसीड, लेट अस सी। ये फिल्म का
लास्ट सीन है, और इसके अंदर जैसे हैप्पी एंडिंग वाला एक सिनेरियो होता है, इसमें सारे आपको एक्टर्स नजर आएंगे, सारे मतलब बहुत सारे एक्टर्स नजर आएंगे, तो देखें इनको कौन कौन है। ये एलाइजर है बादशाह, नवबहार, दिल्लोबाई, फकीर, वजीर मोहम्मद खान, कमर मास्टर बिट्ठल, आदिल, पृथ्वीराज कपूर। अब ये सीन में अभी हमने देखा कि पृथ्वीराज कपूर की एक बहुत यंग इमेज वहां देखी हमने, लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी आपको ये समझ में आएगा कि पृथ्वीराज कपूर 18-20 साल जेल उनको नजरबंद रखा गया, और उसके बाद जब लास्ट में अपीयर होते हैं तो दाढ़ी मुझ सब बड़ी हुई है इनकी। तो ये है वैसे वही आदिल पृथ्वीराज कपूर। शिकारी जगदीश सेठी, जो रुस्तम या असलम जो भी इनका ठीक नाम हो, और फिर आलमारा जुबैदा। इस फिल्म में एक स्पेकुलेशन है कि ये वाले जो लेडी खड़ी है ये शायद बिब्बो हैं, साइड पोज से शक्ल मिलाने की कोशिश करी चित्रों से, तो थोड़ा लगा कि ये बिब्बो हो सकती हैं जो भी इस फोटो में नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन से की प्लेयर्स रहे हैं इसके लिए, इस पिक्चर के लिए, रिटन वर्ड के लिए, मतलब लेखन के हिसाब से। डेविड जोसेफ स्टेज ड्रामाटिस्ट हैं जिन्होंने ये ड्रामा लिखा, इसके डायलॉग्स लिखे, गीत इन्होंने लिखे या नहीं लिखे इसके बारे में बहुत क्लियरली नहीं कहीं पे डेफिनेशन इंफॉर्मेशन मिलता। आर्दशीर ईरानी ने खुद स्क्रीन पे लिखा, इसके सिनेरियोस बनाए सारे, और मुंशी जहीर का नाम आता है जिन्होंने इसको ट्रांसलेट करके स्क्रिप्ट राइटिंग करी इसकी उर्दू में, और सॉन्ग्स का भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सॉन्ग्स लिरिक्स इन्होंने डाले हों, ये भी वंस अगेन क्लियर नहीं है, लेकिन ये भी एक स्पेकुलेशन है। टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में देखा जाए तो ईरानी साहब ने खुद प्रोडक्शन देखा, डायरेक्शन देखा, और साउंड रिकॉर्डिंग इन्होंने करी। असिस्टेंट डायरेक्टर्स इनके तीन हैं, पेशी करानी, रुस्तम भरूचा और मोती बी गिडवानी। इसके अंदर रुस्तम भरूचा जो हैं ये ट्रेन हुए थे साउंड रिकॉर्डिंग के लिए, और साउंड रिकॉर्डिंग में सबसे ज्यादा सहयोग इनका रहा है। इसके आगे आदि रानी कैमरामैन, मुनव्वर अली सेटिंग्स के लिए, और एजरा मीर एडिटिंग। एजरा मीर को ये नाम तो बहुत फेमिलियर है लोगों के हिसाब से, और ये जब फिल्म डिवीजन बनाई गई थी ये उसके पहले अध्यक्ष रहे। म्यूजिक पे आते हैं, दो नाम दिए जाते हैं, फिरोज शाह एम मिस्त्री और बहराम ईरानी। एक इंटरव्यू में बाद में बहराम ईरानी से जब बातचीत हुई एक बारी, तो उन्होंने ये कहा था कि संगीतकार के हिसाब से काम शायद नहीं माना जाएगा, जिसको हम आजकल म्यूजिक डायरेक्टर कहते हैं उस तरह से रोल नहीं है। एक हारमोनियम बजाया था, एक तबला बजा था, तो संगीत देने की जगह संगत दी इन्होंने, ये कहा जा सकता है, लेकिन म्यूजिक के नाम पे इनका नाम आता है। फिरोज शाह मिस्त्री जो हैं शायद एक या दो और फिल्मों में आते हैं, पर इनका फिर मराठी फिल्मों में बहुत ज्यादा काम है। लिरिक्स के लिए जैसे मैंने कहा, या तो डेविड जोसेफ के हाथ के लिखे हैं या मुंशी जहीर के लिखे हैं, ये भी क्लियर कंफर्म नहीं है। सिंगर्स के अंदर तीन नाम तो कंफर्म्ड हैं, वजीर मोहम्मद खान, जुबैदा और जिल्लोबाई। इनके जो गीत हैं वो आगे एक गीत हमने सुना है, बाकी आगे देख भी सुनेंगे। और बिब्बो का नाम भी है कि ये आई हैं इस फिल्म में, इनका एक रोल भी आइडेंटिफाइड है, और हो सकता है एक गाना जो है वो इन्होंने गाया हो, वो भी आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अदर प्लेयर्स जो है मेन, फाइनेंसर बद्री प्रसाद दुबे। उस समय की कॉस्ट के अंदर एक आंकड़ा लगाया गया था कि करीब 40,000 रुपया खर्च हुआ, आज के टाइम के एक्सचेंज में अगर उसको देखा जाए तो 14 करोड़ रुपए।
और डिस्ट्रीब्यूशन जो इस पिक्चर की थी वो सागर मूवी टोन ने करी, जो कि थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि ईरानी साहब खुद अपनी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे, पर इस पिक्चर की डिस्ट्रीब्यूशन सागर मूवी टोन ने करी। आइए अब दूसरा हिस्सा देखते हैं उस फिल्म का, कहानी आगे बढ़ाते हुए। आलमारा का जन्म हुआ है और निगार की मृत्यु हो गई है, अब उसके आगे देखें कैसे चलती है ये कहानी। उसी दिन कमरपुर में आया फकीर, हुए जम सारे गरीबों अमीर। मिली जब अकेली उसे नौबहार, किया तब उसने ये राजा शिकार। महल के करीब एक तालाब है और एक मछली भी उसमें नायाब है। वो मछली सदा रहती है बेकरार, कि है पेट में उसके हीरे का हार, और उस हार में शहजादे की है जिंदगी। जब 18वें साल का हो कमर, वो मछली उसी रोज जाएगी मर। निकलवा के तब पेट से उसके हार, पहना देना शहजादे को करके प्यार। कोई छू न पाए ना उस हार को, न उस पर किसी का भी साया पड़े। मगर उसकी दुश्मन जो थी दिल बहार, कई नौकर उसके वहीं थे खड़े। इन्हीं में जो बांदी अमीना भी थी, हर एक बात दोनों की जिसने सुनी। 18 बरस का हुआ जो कमर, मनाया गया एक जश्न इधर उधर। नौजवान आलमारा हुई, वो महताब उसने शरारा हुई। थी 18वीं जश्न की धूम धाम, किया झुक के बेटे ने माँ को सलाम। पड़ी बेटे पे माँ की जिस दम नजर, फकीर उसको याद आया अल-मुख्तसर। किया कस्त तालाब पे जाने का, दिया हुक्म मछली निकलवाने का। मगर उसकी सौकन जो थी दिल बहार, किया उसने मछली पे पहले शिकार। था उसके कब्जे में हीरे कहार, हरा मछली के पेट में नकली हार। थी सौकन से गाफिल बहुत नौबहार, मिला मछली के पेट से जो बिहार। सितम उसने अनजाने में ये किया, वही हार बेटे को पहना दिया। पड़ा उसकी गर्दन में जैसे बुहार, हुआ शाहजादा बहुत बेकरार। हुआ एन मौके पे ये हादसा, के शाहजादा बेहोश होकर गिरा। इधर ये महल में हुआ हादसा, उधर जश्न एक सून जंगल में था। खुशी से था असलम शिकारी निहाल, लगा आलम मारा को जब मीठा सा। जो तावीज लड़की की गर्दन में था, उसे आज असलम ने खोला पढ़ा। लिखा था कि बेटी ये आदिल की है, ये है ऊंचे घर की ये तय बात है। उसे छोटी बेगम ने धोखा दिया, बिना जुर्म ही कैद करवा दिया। सुना आलम मारा ने जब सारा हाल, हुआ उसके मासूम दिल को मलाल। तड़प के तब उसने ये खाई कसम, छुड़ा लाएंगे अपने अब्बा को हम। जवां बेटी के दिल को ऐसी लगी, उसी रात जंगल से वो चल पड़ी।
पहुंचना महल तक का एक टेढ़ी की मिला रास्ते में उसे वो पकी। जा बेखतर मेरी बेटी तू जा, हाँ तेरा निगहबान तेरा खुदा, ये तू जिस महल की तरफ है रवा, मिलेगा वहीं तुझको वो नौजवान। सदा आई है मुझको ये आसमां से, तेरा ब्याह होगा उसी नौजवान से। मुसीबत में इस वक्त है वो जवान कि दुश्मन के हाथों से है नीम जान। मची लड़की के दिल में एक खलबली, महल की तरफ आलम मारा चली, उसी वक्त सोने चली दिल बहार, उतारा गले से तब उसने वो हार, गले से हुआ हार जैसे जुदा, उधर शाहजादे को होश आ गया, उधर शाहजादे को होश आ गया। ये दूसरे हिस्से में ये चीज जो बताई गई कि वो हार जब पहन लेती है तो शहजादा बेहोश हो जाता है, और जब वो हार उतारती है रात के समय वो शहजादा होश में आ जाता है। ये था चेंज कहानी में, जो मास्टर विट्ठल की डिक्शन के प्रॉब्लम के चलते इस कहानी में चेंज किया गया। ज्यादातर के सीन्स के अंदर उसको बेहोशी की हालत में दिखाया गया ताकि उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़े, और उसके बाद में जिस समय कम सीन होंगे रात के उस समय वो जागता है। आइए अब पहुंचे 14 मार्च 1931 जब ये फिल्म रिलीज हुई बॉम्बे में, मेजेस्टिक सिनेमा गुड़गांव गिरगांव। उस दिन शनिवार था तो उसके चलते जो 13 मार्च थी वो फ्राइडे होगा, तो शेक्सपियर की जो आइड्स ऑफ मार्च वाली बात है वो उन्होंने एक दिन से मिस करी। ये एक उसकी पब्लिसिटी का पोस्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इस पे लिखी हुई हैं। मेजेस्टिक टॉकीज कमेंसिंग सैटरडे 14th मार्च, इंपीरियल मूवी टोन। आप ध्यान देंगे कि मूवी टोन के अंदर जो स्पेलिंग है उसमें ई नहीं है, ये MOVI-Tone। 100% टॉकी पिक्चर आलम आरा, फीचरिंग जुबैदा विठल एलिजर जिल्लो पृथ्वीराज एंड ऑल स्टार कास्ट। डेली 3 शोज 5:30, 8:00, and 10:30 PM। सैटरडे संडे एंड बैंक हॉलीडेज एक एक्स्ट्रा शो है जी 3 बजे। टिकट्स विल नॉट बी चार्ज फॉर चिल्ड्रन 3 years, या टिकट्स विल बी चार्ज फॉर चिल्ड्रन मोर देन 3, ऐसा कुछ है, बहुत क्लियर नहीं है वो प्रिंट वहां पे। फिर इसमें अगले सेंटेंस में लिखा है कि मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू चेंज द प्रोग्राम, कुछ ऐसा है इसके आगे। फिर इसके आगे लिखा है मनी विल नॉट बी रिफंडेड फॉर इन केस ऑफ एनी चेंज और एनी इवेंट और समथिंग लाइक दैट। फिर ये लिखा है कि टिकट्स परचेज्ड आउटसाइड द थिएटर शैल नॉट बी एडमिटेड। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके अंदर टिकट्स खूब बिकी ब्लैक में इस पिक्चर की, कई हफ्तों तक इसके लंबी लंबी क्यूज लगी, चार आने का टिकट 5 रुपए तक बिका, तो मतलब ब्लैक मार्केट वहां से शुरू भी होती है 14 मार्च 1931 से। टिकट की प्राइस देखिए, नीचे जो लिखे हैं इसमें 3 नंबर दिए गए हैं, उस टाइम के हिसाब से रुपया आना और पैसा ऐसे लिखा जाता था उस समय। तो बॉक्स की टिकट है 3 रुपया 6 आना, बालकनी की टिकट 2 रुपया 4 आना, रिजर्व टिकट्स 1 रुपया 8 आना, फर्स्ट क्लास या फर्स्ट सीटिंग 1 रुपया 2 आना, सेकंड 5 आना 6 आना, और थर्ड 4 आना। तो 4 आने की टिकट जो है वो 5 रुपए तक बिक गई, जो कि आज के हिसाब से देखा जाए तो 350 रुपया बनता है।
और फिर नीचे एक सेंटेंस और लिखा है, एवरी संडे स्पेशल शो एट 10 AM फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। तो पिक्चर को इस तरह से पब्लिसाइज किया गया था। उसके बाद ये पूना में भी प्रीमियर हुई, और दिल्ली में इस चीज का हमने थोड़ा जो खोजबीन करी उसे पता लगा कि जो पहाड़गंज में इंपीरियल सिनेमा है ये वहां पे सबसे पहले प्रीमियर हुई थी दिल्ली में। आइए अब गानों के ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं। पहला गाना आपने ऑडियो सुना है, जो फकीर है वजीर मोहम्मद खान, उन्होंने खुद ने गाया है। वजीर मोहम्मद खान 1969 में 1974 में उनकी डेथ हुई थी, तो 73 की जो पिक्चर है वो ये समझ लीजिए कि 73 की आलमारा करी उन्होंने और फिर उसके बाद रुखसत हुए इस जहां से। जो चीज डिस्कस होती है कई बार, अब इसमें देखा जाए तो दो ही लाइन है इस गाने में, तो क्या यह गाना गाना है? तो इस बात के ऊपर चर्चा हुई। गाना आगे हम देखते हैं जैसे पिक्चरों के अंदर, स्पेशली न्यू थिएटर से जो एक स्ट्रक्चर बन के आता है गाने का, और फिर बाद में सब तरफ वही स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ये उस तरह के गाने नहीं हैं। ये गाने सीधे स्टेज ड्रामा की स्क्रिप्ट से लिए गए हैं, और वहां पे जो चीज उस समय गा के एक डायलॉग चलता था वो इन्होंने यहाँ पे एज अ सॉन्ग प्रेजेंट कर दिया तबले और हारमोनियम की संगत के साथ, तो ये उस समय का गाना हो गया। 1973 की फिल्म में ये गाना वजीर मोहम्मद खान दो दफा गाते हैं। हाँ, एक चीज इसमें थोड़ी मेरी से मिस हो गई, मैं आपसे क्रेडिट्स के, आई जस्ट गो बैक फॉर मिनट टू क्रेडिट्स। वजीर मोहम्मद खान कौन है? वजीर मोहम्मद खान जो है ये इंपीरियल फिल्म कंपनी के, आप माने या ना माने, चौकीदार हुआ करते थे, पठान थे। और आपको इस चीज से वाकिफ होंगे कि ज्यादा करके पठान शुरू में गेटकीपर के रोल, गेटकीपर के नौकरियों में ज्यादा आपको मिलेंगे। और पिक्चरों के अंदर भी आपको अगर देखेंगे तो बहुत सारी पिक्चरों के अंदर जो गेटकीपर का रोल है वो एक पठान के रूप में प्रेजेंट किया गया है। अगर आपको ध्यान आए तो काली टोपी लाल रुमाल में एक गाना है, दगा दगा वही वही, उसके अंदर वहां पे जो कुमकुम जिस गेटकीपर को या जिस चौकीदार को रिझाने की कोशिश कर रही है वो पठान है। इस तरह के काफी और इंस्टेंसेस मिलेंगे। तो एक्चुअल में ये पठान थे, ये चौकीदार थे वहां पे इंपीरियल फिल्म कंपनी में, और इनकी एक आवाज की जो खासियत ईरानी साहब को लगी, खुरदरी सी आवाज थोड़ी सी, वो इन्होंने उसके लिए इन्होंने इसको फकीर का रोल दिया इनको। आइए इसमें छोटे छोटे दो क्लिप्स हैं जो दो टाइम इन्होंने गाया है इस फिल्म में, वो देखते हैं। ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की, ले ले अपने रोजे नमाज का सत्ता, इस हाजतमंद का भी रोजा खुलवा दो बेटी। अल्लाह तेरा भला करे। इस सीन में हम देख रहे हैं नाजिमा है, रमजान का महीना चल रहा है, थोड़ी सी जैसे मैंने कहा कि कहानी फर्क है, और ये रोजा खोलने के लिए जब शाम को बैठती है तो दो मर्तबा फकीर आता है इनके पास। तो ये पहला इंसिडेंट है, फिर कुछ टाइम के बाद उसी फिल्म में दोबारा से वही इंसिडेंट होता है, फिर रोजा खोलने को बैठी और फिर से फकीर आता है। नाम पे प्यारे ताकत है
गर देने की दे दे, कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की ले ले, जो दे उसका भी भला और जो न दे उसका भी भला। लो बाबा। अल्लाह तेरा भला करे बेटा। तो ये है पहला सॉन्ग जो वजीर मोहम्मद खान के नाम से हिंदी पिक्चरों का पहला फिल्म सॉन्ग जिसको माना जाता है। दूसरे गाने पे आते हैं। ये गाना जुबैदा पे फिल्माया गया था अलमारा के रोल में। बदला दिलवाएगा यारब तू सितमगारों से। वंस अगेन ये गाना तो नहीं मिलता है, लेकिन जुबैदा जी ने इस गाने को गाया था। वो जो मैंने प्रोग्राम मेंशन किया था मॉर्टल मैन इमॉर्टल मेलोडीज वाला, उसके चलते उस प्रोग्राम के अंदर ये प्रोग्राम गाना प्रेजेंट किया था। बिल्कुल दो लाइन के रूप में है, वैसे चार लाइन का गाना। पहला गाना है जो मैंने गाया था अलमारा में, इसके दो ही लाइन मुझे याद है। ये लोग चाहते हैं कि मैं उसको जैसा जैसा मुझे याद है वैसा गा दूं, तो मैं आपको सुनाती हूँ। बदला दिलवाएगा यार तू सितमगारों से, तू मदद पर है तो क्या खौफ जफाकारों से। बदला दिलवाएगा यार तू सितमगारों से, तू मदद पर है तो क्या खौफ जफाकारों से। ये भी दो लाइन ही सुना पाई थी, वैसे इस बुकलेट में देखें तो उसमें चार लाइनें लिखी हुई हैं और ये गाना भी बस इतना ही है। ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन बात वही आती है, ओरिजिनल वर्ड्स हैं, ओरिजिनल वॉइस है और ओरिजिनल धुन है, सिर्फ ये बाद में रिकॉर्ड दोबारा की गई। इस चीज के बारे में भी चर्चा हुई, अनूप जी से भी हुई और बख्शी जी से भी हुई, कि 1931 के जब नई फिल्म मिल रही है, लेकिन कितने बरस तक ये जितने किरदार हैं ये सब हमारे साथ में हैं, तो ये गाने दोबारा से क्यों नहीं रिकॉर्ड कराए गए। किसी के दिमाग में इस बात का कोई नहीं आइडिया, ऐसा आइडिया नहीं आया कि इसको दोबारा कभी रिकॉर्ड किया जाए। अगला गाना देखते हैं। रूठा है आसमान गुम है आफताब, ये नवबहार जो बड़ी बेगम है बादशाह की, वो गाती हैं स्क्रीन पे। जिल्लो भाई ने गाया है अपनी आवाज में। तो देखा जाए तो जिल्लो भाई बिकम्स द थर्ड सिंगर ऑफ द हिंदी फिल्म्स, वजीर मोहम्मद खान, जुबैदा और फिर जिल्लो भाई। इसका कुछ भी आर्टिफैक्ट अवेलेबल नहीं है, कभी जैसे प्रयास नहीं किया गया कि जिल्लो भाई के दोबारा उनकी आवाज में रिकॉर्ड कराया जाए। जिल्लो भाई को आप पहचानते होंगे, बहुत सी फिल्मों में, बहुत से साइड रोल्स में आई हैं। अगर आप ध्यान करें तो मुगले आजम में जो अनारकली की मदर बनती हैं, मधुबाला की मदर बनती हैं, वो जिल्लो भाई हैं। तो मतलब कितने बरस तक ये सब किरदार हमारे साथ रहे हैं, लेकिन इस बात का कभी प्रयास नहीं किया गया कि उनको उन चीजों को रिक्रिएट किया जाए। चौथा गाना जो आगे लिस्टेड आता है वो है तेरी कटीली निगाहों ने मारा। बुकलेट के अंदर तवायफ लिखा है और वंस अगेन एक स्पेकुलेशन है कि उस तवायफ का रोल क्या बिब्बो ने किया था। ये वाला गाना जो है ये एक बड़ी पॉपुलर बंदिश है जो बहुत सारे आर्टिस्ट ने गाई है। और इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बात सामने आती है कि जब हम पुरानी पिक्चरों में देखते हैं 1930s में स्पेशली, अभी उस बात की ढूंढ शुरू हुई है और करीब 15 या 18 सॉन्ग्स ऐसे तो आइडेंटिफाई मैंने किए हैं जो रिकॉर्ड जिनके मिलते हैं पर वो नॉन फिल्म रूप में मिलते हैं और वो गाना पिक्चर में लिस्टेड है। अब पिक्चर के अंदर जो लिस्टेड है कि बुकलेट से मैच करें या उस रिकॉर्ड को प्ले करके मैच करें तो सारा का सारा शायद नहीं मैच करेगा,
सिर्फ मुखड़ा मैच करेगा या मुखड़े के साथ कुछ एक आध अंतरा मैच करेगा, लेकिन पूरा मैच नहीं करेगा। तो इसका ये था कि उस समय जो बहुत सारे सॉन्ग्स पॉपुलर हो जाते थे नॉन फिल्म रूप में, उनको पिक्चरों में इंक्लूड कर लिया जाता था। ये वाला गाना भी, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स बहुत पुरानी हैं, मैं अभी आपको जो सुनाऊंगा वो काशीबाई बनारस वाली हैं, जिनको अर्ली 1930s का एक रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने ये वाला गाना गाया है। इसको आलम आरा में इंक्लूड कर लिया गया, शब्द बदल दिए गए आगे के, क्योंकि आगे जो शब्द हैं वो नहीं मैच करते हैं। लेकिन आप सुनिए जरा इसका मुखड़ा, ये काशीबाई की आवाज में 1930s में रिकॉर्डिंग है ये वाली। जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत पॉपुलर बंदिश है एंड ओवर द डिकेड्स बहुत सारे आर्टिस्ट ने रिकॉर्ड करी है। एज रिसेंटली एज 2015 एक फिल्म आई है जान सार मुजफ्फर अली की, उसके अंदर भी ये गाना यूज किया गया है, ये बंदिश यूज करी गई है। बाकी इसमें तीन और सॉन्ग लिस्टेड हैं। शबाना जी ने अपने इंट्रोडक्शन में शुरू में कहा था कि 6 गाने हैं इस पिक्चर में, लेकिन बुकलेट जब चेक करते हैं तो बुकलेट में 7 गाने मिलते हैं। फिर उसका थोड़ा सा खुलासा ये हुआ बाद में कि बुकलेट 2 अवेलेबल हैं सेम पिक्चर के लिए, एक गुजराती भाषा में है और एक हिंदी भाषा में है। एक के अंदर 6 गाने दे रखे हैं और एक में 7 गाने दे रखे हैं, जो गुजराती वाली उसमें 7 गाने दे रखे हैं। इन गानों के आगे सिर्फ सहेली या सहेलियां लिखा है, कोई और एक्टर्स आइडेंटिफाइड नहीं है और नो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और कोई और चीज अवेलेबल नहीं है। कोई लिरिक्स तो बुकलेट में हैं, लेकिन वो मतलब इन टर्म्स ऑफ एन ऑडियो क्लिप वैसी कोई चीज नहीं मिलती है इन गानों की। आइए अब कहानी के लास्ट चरण में चलते हैं कि दास्तान आलम आरा कैसे आगे बढ़ी और कैसे समापन पे आई, कैसे वो हैप्पी एंडिंग वाला सीन आता है। जमन में उसे आलम आरा मिली, कली प्यार की उनके दिल में खिली, नजर मिल गई तीर चलने लगे, जवां दिल धड़कने मचलने लगी। वो एक दूसरे पे फिदा हो गए, सितम हो गगर अब जुदा हो गए। ये उस दिन दोनों ने खाई कसम, जिएंगे मरेंगे यूं ही साथ हम। कहा आलम मारा ने जाने बहार, मेरे शहजादे मैं तुझ पर निसार, मुझे तूने बख्शी है खुशियां हजार, मगर रहता है दिल सदा सोगवार। किया शहजादे ने तब ये सवाल, मेरी जा तेरे दिल को क्या है मलाल। कहा आलम मारा ने कैसे कहूँ, जो तुम पूछो तो चुप भी कैसे रहूं। कई टुकड़े गम के फसाने में हैं कि बाबा मेरे कैद खाने में है। कहां कैद है वो बताओ हमें, जो गुजरी है खुल के सुनाओ हमें। सुना है
महल में है कोई कुआं, वहीं कैद है मेरे अब्बा मियां। मैं कहता हूँ जुल्फे तेरी चूम कर, के रख दूंगा जंजीरे सब तोड़ कर। सितम उसने जो भी सहा वो सहा, करूंगा मगर अब मैं उसको रिहा। हुआ शाहजादा इधर शर्मसार, पहनने लगी हार फिर दिल बहार। गले में पड़ा उसके जैसे वो हार, गशी उस पे तारी हुई एक बार। गिरा हो के शहजादा बेहोश जब, लिया आलम मारा ने गोदी में तब। हसीना की गोदी में था उसका सर, उसी वक्त रजिया भी आई उधर। हुई आलम मारा परेशान बहुत, कहा उसने तुम हो ना हैरान बहुत। चलो ले चलूं तुमको दरबार में, करो चल के फरियाद सरकार में। सलामत रहे तख्त भी ताज भी, मगर रखिए कुछ अदल की लाज भी। मैं कहती हूँ आपसे ये सच हुजूर, नहीं है मेरे पाप का कुछ कसूर। हवस का था दिल में अंधेरा बहुत, उन्हें छोटी बेगम ने घेरा बहुत। मेरे बाप ने जब किया ना गुनाह, किया छोटी बेगम ने उनको तबाह। मेरे बाप को कैद करवा दिया, मेरी माँ को जंगल में फिकवा दिया। गरजने लगा सुन के ये बादशाह, के नादान तू कर रही है गुनाह। लिया तूने क्यों छोटी बेगम का नाम, कहीं जिंदगी हो ना जाए हराम। खड़ी थी वहां आलमारा उदास, के हम दर्द कोई न था उसके पास। यकीन था कि बरसेंगे सीने में तीर, उसी वक्त पहुंचा वहां वो फकीर। फकीर उससे बोला सुनो ताजदार, जो है शाहजादे की गर्दन में हार। वो नकली है झूठा है बेकार है, वली अहद के हक में तलवार है। जो पूछो किधर है वो हीरे का हार, चलो तो दिखा दे हम उसकी बहार। खड़ी थी जहां बदचलन दिल बहार, कहती थी आदिल से कर हमको प्यार। कहा दिल्ले कैसी औरत है तू, महल के लिए एक लानत है तू। ये सुन के दीवानी हुई दिल बहार, किया उसने आदिल पे खंजर से वार। दिया उसकी नेकी ने आदिल का साथ, असलम ने पकड़ा बेगम का हाथ। भुला बादशाह पर जो बेगम का हाल, हुआ उस बेचारे को बेहद मलाल। खड़ी थी जरा दूर जो दिल बहार, किया शाह ने उसकी गर्दन पे वार। रहा था न अब उसको बेगम से प्यार, उतारा गले से जो हीरे कहा। उधर बाप के हाथ आया जो हार, इधर शाहजादा हुआ होशियार। इधर शाहजादा हुआ होशियार। सजा छोटी बेगम को जब मिल गई, हर एक दिल की जैसे कली खिल गई। हुई बात मुद्दत के खुश नौबहार, किया उसने बेटे पे सब कुछ निसार। उन्हें उनका बेटा दोबारा मिला,
सुने गौर से बूढ़े बच्चे जवान के ये आलम मारा की है दास्तां के ये आलम मारा की है के ये आलम मारा की है दास्तां के ये आलम मारा की है दास्तां के ये आलम इसके क्रेडिट्स में आपने देखा होगा नाम आते हैं उमेश माथुर और दो नाम आते हैं माथुर ब्रदर्स के इन्होंने ये डिजाइन करके और इसको इस तरह से प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया है। और क्रेडिट्स में एक चीज और मेरे हाथ से निकल गई, मैं चाहता था उसको एंड में पूछूं कि आप लोग इस आवाज को पहचानते हैं, तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि वो तो क्रेडिट से नाम आ ही गया। हाँ, दूसरी आवाज है, इसमें दो तीन आवाजें हैं और वो एक एक लेडी की आवाज है और दो मेल वॉइसेस हैं, वो उनका कुछ जिक्र नहीं है सारी डॉक्यूमेंट्री में, लेकिन एक आवाज को जानी पहचानी से लगती है। अभी संजीव जी जो साथ बैठे हैं बता रहे हैं कि जो सबसे पहली आवाज आती है जो अनाउंस करती है आलमारा की दास्तां के लिए, वो शायद सेम आवाज है जो वीको वज्रदंती के एडवर्टाइजमेंट में सुनाई देती थी। और वो आवाज के जो ओनर हैं वो फिल्मों में भी साइड रोल्स में आते रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई देती है। तो नाम ध्यान नहीं आ रहा इस समय। इसके अलावा एक मेल वॉइस और है और एक फीमेल वॉइस है जो उसमें उनके नाम नहीं पता लगते हैं। चलिए आगे चलें, थोड़ा सा बस एक आध दो बात और करके फिर वाइंड अप करते हैं। ये जो पिक्चर बनी बहुत ही ट्राइंग सर्कमस्टांसेस में बनी। सबसे पहली चीज तो ये थी कि जहां पे इनका स्टूडियो था ईरानी साहब का, इसके साथ से रेलवे की लाइंस निकलती थी और सारा दिन वहां पे काम नहीं हो सकता था क्योंकि बहुत आवाज होती थी और रिकॉर्डिंग के लिए कोई साउंड प्रूफ स्टूडियोज ऐसी चीजें नहीं थी, तो एक बड़ा कंस्ट्रेंट था। तो सारी की सारी शूटिंग इस पिक्चर की रात में हुई, जो भी इंटरनल सीन्स हैं, कुछ बाहर के सीन्स हैं जो दिन में शूट किए गए। जो नाइट की शूटिंग है उसके अंदर पहली दफा एक बहुत अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल लाइटिंग की इस्तेमाल किया गया, ये एक और बहुत खूबी है इस पिक्चर की। दूसरी बात, जो रिकॉर्डिंग की है उसका भी बहुत तरकीब से इन लोगों ने काम किया, कैसे कैसे माइक्स को किरदारों के कपड़ों में छिपाया गया या किरदारों के पास पहुंचाया गया कि वो उनकी आवाज रिकॉर्ड हो जाए जैसे वो बोल रहे हैं या कुछ गा रहे हैं। तो एक माइक प्लेसमेंट के ऊपर एक बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट भी था ये पहली दफा। फॉरेन टेक्नीशियंस का मैंने मेंशन किया, इनको पहले इन्वॉल्व करने का प्रयास किया गया था लेकिन बाद में पैसों के चलते और उनके टाइम शेड्यूल के चलते उन्होंने उनको नहीं उस चीज की दिक्कत आई, तो फिर उन्होंने सारी अपनी फैमिली से ही काम दिया इस बारे में। एक ये तस्वीर है जो काफी लोगों ने देखी होगी। अब ये इनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, आप देख लीजिए, एक घास फूस की कुटिया है जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, हेडफोन लगा के वो बैठे हैं और सुन रहे हैं कि क्या शूट हो रहा है। और इसमें इस तरह के कंस्ट्रेंट्स के साथ इन काम करते हुए इन्होंने ये फिल्म कंप्लीट करी थी। इनकी ये फिल्म जो थी ये करीब 1.5 महीने में बन गई थी, जबकि उस समय इस रेस के अंदर दो स्टूडियोज और थे, मादन थिएटर्स श्री फरहाद बना रहे थे जो कि उनकी पहली टॉकी फिल्म थी, और सागर मूवी टोन वाले रोमांटिक प्रिंस बना रहे थे जो उनकी पहली थी। उनको जो डिफिकल्टी फेस हुई, जो इन्होंने फेस करी थी रानी साहब ने, और वो उसको उन्होंने इस तरह से जो फॉरेन टेक्नीशियंस वाली बात है
कहा जाता है कि सागर मूवी टोन में और मादन थिएटर्स के पास भी फॉरेन टेक्नीशियंस थे और उनके चलते उनका काम डिले हुआ, बिकॉज वो अपने हिसाब से काम करते थे, शाम को 6 बजे के बाद काम नहीं करेंगे। तो उनका शेड्यूल ज्यादा लंबा रहा, तो उनकी फिल्में थोड़ा बाद में आई। शिरीन फरहाद जैसे मई में रिलीज हुई है उस साल शायद, और रोमांटिक प्रिंस भी उस टाइम के आसपास। तो ये एक माइलस्टोन एफर्ट है जो इट मस्ट बी अपलॉडेड, ये जानते हुए कि ईरानी साहब जो है, पूरा अगर इनका करियर देखें तो बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों को आवाज दे देना ये एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट रही, जिसके कारण ये सारी इंडस्ट्री इस समय बहुत एक डिफरेंट मोड पर है, बहुत एक डिफरेंट मंजिल पर है। इन्होंने जो गीत का लिया तो स्टेज के कॉन्सेप्ट से ही थे, लेकिन जो गीत का इन्होंने, फिल्मी गीत का जो चलन शुरू किया, वो ऐसा इस हिंदी सिनेमा को पकड़ा है कि कोई पिक्चर, मतलब कोई एक आध रेयर फिल्म छोड़ के कोई पिक्चर ऐसी नहीं है जो गानों के बगैर बनती हो। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि 1931 में ये पिक्चर आई और फिर उसके बाद से ऑडियो फिल्में आनी शुरू हो गई, ऑडियो फिल्मों में गाने आने शुरू हो गए, वो गाने मशहूर होने शुरू हो गए, रिकॉर्ड्स बिकने शुरू हो गए। 1937 में वाडिया मूवी टोन वालों ने एक पिक्चर बनाई नौजवान, वो हिंदुस्तान की पहली संगीत विहीन टॉकी फिल्म मानी जाती है, उसमें कोई गाना नहीं था। और इस बात की न्यूज़पेपर्स ने पुष्टि करी है, ये स्टोरी मतलब न्यूज में पढ़ी जाती है कि लोगों ने दंगा किया इस बात के ऊपर कि गाने नहीं है, सिनेमा के बाहर जो खिड़कियां शीशे थे वो तोड़े गए कि हमारे साथ धोखा हुआ है कि फिल्म दिखा रहे हैं और उसमें गाने नहीं है। ये 1937 में हुआ, 6 साल के बाद। ये चीज तो समझनी और सोचनी पड़ेगी कि एक हेरिटेज है जो हमारे हाथ से निकल गई। 10 Pieces of Silver मैंने इसलिए लिखा क्योंकि फिल्मों में एक टाइम पे ईरानी साहब के ही फैमिली के किसी उससे इंटरव्यू में ये बात हुई थी कि शायद कुछ रील्स पड़ी हों, लेकिन हमने ज्यादा करके रील जला दी थी चांदी के लिए। नाइट्रेट की फिल्में बनती थी जो सेलुलॉइड बनता था, और कुछ समय के बाद इवन प्रोड्यूसर्स खुद ही उस चीज को जला के चांदी निकाल लेते थे। प्रिजर्वेशन का, हिस्ट्री का, हेरिटेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा किसी के दिमाग में, बस उसको जलाया और चांदी निकाल ली। एक रील या एक कॉपी इसकी NFII में थी, फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया पुणे में, और वहां पर भी एक आग लगी थी 2007 या 2008 की डेट पड़ती है। वो उस आग के अंदर बहुत सी रेयर चीजें खत्म हुई और वो आलमारा उसमें से एक थी, जो एक कॉपी इनके पास थी अब उसके उसकी चांदी का क्या हो? उसके पीछे भी एक थोड़ी सी पिक्यूलियर और मार्मिक ही दास्तान है कि NFAI एक हेरिटेज इंस्टीट्यूशन होते हुए किस तरह से उन्होंने बेख्याली से और बेतरबी से उन्होंने इन सारी चीजों की संभाल करी। जहां पे फिल्म स्टोर करी जाती हैं, इनकी रील स्टोर करी जाती हैं, वो एरिया एयर कंडीशन होना चाहिए। उस एयर कंडीशनिंग का बजट जो है सालों साल लैप्स होता रहा, लेकिन एयर कंडीशनिंग का इंस्टॉलेशन नहीं हुई उस जगह पे, और वो कुछ साल के बाद होना ही था जो हुआ कि वहां पे फिर आग लगी। क्योंकि ये एक नाइट्रेट फिल्म एक ऐसी चीज है जो खुद से इनफ्लेमेबल है, अगर बहुत ज्यादा टाइम तक पड़ी रहेगी तो खुद भी आग लग जाती है इसके अंदर। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन जो है बॉम्बे में, शुभेंदु डूंगरपुर की, उन्होंने एक चीज खोजी है, एक रिकॉर्डिंग मशीन मिली है जो कि उन्होंने हासिल करी है। इट इज द ओनली सर्वाइविंग आर्टिफैक्ट ऑफ दिस फिल्म। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन, इसके ऊपर आलमारा की रिकॉर्डिंग हुई है।
ये मशीन जिसके ऊपर इमेज और साउंड दोनों रिकॉर्ड होते हैं, ये वाली मशीन यूज करी गई थी। और ये एक टाइम पे तो किसी स्टूडियो के, किसी और के स्टूडियो के अंदर कूड़े कबाड़ में पड़ी रही थी, और फिर इसको ट्रेस करके, इसकी सारी पुष्टि करके कि हाँ ये वही मशीन है, फिर इसको फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन वालों ने खरीदा और उसको अब ये, दिस इज दी ओनली सर्वाइविंग आर्टिफैक्ट दैट वी हैव फ्रॉम दैट फिल्म। आलमारा की ढूंढ, पीके नायर जो फाउंडर हैं एनएफएआई के, वो उनकी सारी जिंदगी में यही एक ढूंढ रही कि आलमारा मिलनी चाहिए, और उनको ये विश्वास है कि, विश्वास था कि ये चीज कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। आजकल की भी लोगों के अंदर, स्पेशली नए रिसर्चर्स और नए हिस्टोरियंस के दिमाग में भी ये बात है कि कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। अगर 1935 की बंगाली वर्जन देवदास की हमारे को मिल गई बांग्लादेश से, तो ये फिल्म भी कहीं मिल सकती है। एक पर्शियन कनेक्शन बनता है जो दुख्तरे लोर ईरानी साहब ने बनाई थी, और वो फिल्म ईरान की पहली साउंड फिल्म बनी। वहां पे और हिंदी इंडियन फिल्म्स भी गई थी, तो वहां पे शायद निकले अगर कोई ढूंढ मचाए तो। और अल्जीरिया में एक फिल्म आर्काइव्स है जो शुभेंदु साहब ने खुद कहा है कि हमने जिस समय इसकी मैसेजेस भेजे वर्ल्ड वाइड, तो उनके यहाँ से एक रिस्पॉन्स आया है कि हमारे पास बहुत पुरानी इंडियन फिल्म्स पड़ी हैं, तो वहां आप जाके देखने की जरूरत है कि वहां पे है कि नहीं। हाँ चलते हैं। तो ये है आलमारा की दास्तां। जैसा कि शुरू में कहा कि फिल्मों को आवाज मिल गई, लेकिन फिल्म खुद खो गई, और उसके और उसकी आवाज भी खो गई, ना गाने मिलते हैं ना फिल्म मिलती है। सो ये है दास्तान है आलमारा। वंस अगेन जिन लोगों ने मेरी मदद करी सारी चीज को कंपाइल करने में और बनाने में, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर से बताऊं, बख्शीश सिंह जी, कुशल जी, अनूप जी, संजीव जी, अरुण जी देशमुख बॉम्बे वाले, और रविकांत जी, इन लोगों का बहुत सहयोग रहा, मैं इसके लिए आभारी हूँ। और रविकांत जी को मैं बहुत आभार देता हूँ ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि हम ये चीज़ को यहाँ दर्शा पाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी। बहुत वाकई ये फिल्म मैंने देखी थी, मुझे फिल्म पूरी तरह याद तो नहीं थी, लेकिन हाँ ये फिल्म डॉक्यूमेंट, ये जो फिल्म डिवीजन की फिल्म है, लेकिन आपने जिस तरह से इसको पुनर्संदर्भित किया, बाकी कहानियों में पिरोया इस उस कहानी को जिसमें गाना भी है, तो दिलचस्प ये है कि मतलब एक जगह जावेद अख्तर कहते हैं कि कई गाने, बल्कि ज्यादातर गाने कहानी लेकर चलते हैं अपने अंदर, है ना। मतलब हर कहानी में एक शुरुआत होती है, एक मध्य होता है उसका, एक अंत होता है, तो हर गाने में भी कुछ ऐसा ही होता है। और यहाँ पर कैफी आजमी के जो वर्जन है या फिर डिविजन वाले वर्जन में, वो कहानी गाने के रूप में फिर से पेश की जाती है। अगर हो गया सब कुछ है, न वो आवाज रही, न वो कहानी रही, न वो डायलॉग्स रहे, तो सब कुछ गायब हो गया, न स्क्रिप्ट रहा, तो उसको कैसे पेश किया जाएगा। तो बचती है तो कहानी है, जिसको आप फिर से हम लोगों को सुना रहे हैं, और काफी दिलचस्प रहा ये रिविजिट करना वहां पे उस मोमेंट को। मेरे जो सवाल है उस पर मैं बाद में आऊंगा, आई एम श्योर और भी लोगों के पास सवाल है, लेकिन बहुत मजा आया, काफी कुछ सोचने के लिए था इसमें, और काफी कुछ कई लोगों ने नहीं देखा होगा, यहाँ जो मौजूद है लोग उसमें से कुछ लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने नहीं देखा होगा, तो ये लेकिन दिलचस्प प्रयोग था, ये फिल्म अपने आप में एक दिलचस्प प्रयोग थी। हाँ तो कोई सवाल है चैट पे या कहीं पे, क्या क्या लिखे ना, गाने आए कहाँ से,
हाँ, तो उसका जो तीसरा हिस्से में लास्ट में क्रेडिट्स आए थे, तो ये इसका म्यूजिक और इसकी जो मेन आवाज है गाने की वो जगजीत सिंह है। और दूसरा सवाल जो गाने आए कहाँ से, तो इस चीज का भी मैंने गंगा आए कहाँ से, गंगा आए कहाँ से, अच्छा ओ गंगा आए कहाँ से। तो मैं अनूप जी से दरखास्त करता हूँ कि प्लीज आप अपना अनम्यूट करके बताएं कि ये कमेंट आपने लिखा है, प्लीज इसके बारे में बताइए। हाँ इसके अनूप जी प्लीज अनम्यूट कर दीजिए अनूप जी को। हाँ जी, अच्छा गाने आए कहाँ से, ही था है? नहीं वो उनसे कंफर्म कर लेना इस चीज को, क्योंकि अनूप जी दिख रहे हैं अभी भी मेरा ख्याल। अच्छा नहीं ओ, अच्छा हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं इस समय। पवन अग्रवाल हैं कलकत्ता से, सुल्तान अरशद जी कराची से, विभूति जी गुड़गांव से हैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, दीपक चौधरी जी हैं वो अमरावती से, अतुल जी भोपाल से, अनूप जी हैं, मैं माफी चाहूंगा बाकी लोगों से, जो नाम मेरे को फेमिलियर लग रहे हैं मैं उनका नाम ले रहा हूं, बाकी और लोग भी हैं उनको भी एक्नॉलेज करते हैं प्लीज, ऐसी बात नहीं है। आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ कमेंट करना चाहते हैं प्लीज आप बात करें। तो इसकी विरासत तो मतलब काफी लंबी है ना, एक तो आप कह सकते हैं कि मल्टी स्टारर फिल्म थी उस जमाने की, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मल्टी स्टारर फिल्में हमेशा लगातार नहीं बनी है ना, बीच बीच में उसका फेज आता है जिसमें, जैसे वक्त जैसी मल्टी स्टारर बनती है एक बार, हाँ जी हाँ जी, या आप मुगले आजम को भी मल्टी स्टारर कह सकते हैं उस जमाने के हिसाब से, तो हमेशा नहीं और बाद में तो मल्टी स्टारर बन, लेकिन आप कह सकते हैं उसे कि 1931 में ये मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिल्लो राइट, डिब्बो, मास्टर विट्ठल, जो सब मास्टर विट्ठल तो सुपरस्टार थे, सुपरस्टार थे उस टाइम के, पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वीराज उसमें, जगदीश सेठी, और ये लोग काफी समय तक टिके भी रहे हैं। हाँ जुबैदा हुई, जिल्लो भाई हुई। एक दिलचस्प कमेंट आपने किया था कि जो बंगाल स्कूल था साउंड प्रोडक्शन का या सॉन्ग प्रोडक्शन का, ठीक है, वो कुछ अलग था और ये कुछ अलग था, दोनों की टेक्नोलॉजी में भी फर्क था जाहिर है, ठीक है। और फिर वो भी आता है ना कि तो क्या फर्क, आपके दिमाग में क्या था जब आप कह रहे थे कि ये जो सीधा थिएटर से लिया हुआ है, हाँ जी, लेकिन फिर भी साउंड, जब जब आप साउंड में जाते हैं है ना, तो वही नहीं रह जाता है वो, है ना, मैकेनिकल रिप्रोडक्शन होने लगता है उसका, तो जाहिर है उसी तरह का परफॉर्मेंस नहीं रह जाता है। लेकिन बंगाल स्कूल से भी क्या फर्क है ये, हाँ, दोनों उसमें उसमें ये बात है कि आप अगर इधर की फिल्में देखें शुरू के दौर की, 31 से 3-4 साल तक स्टेज का बहुत ज्यादा प्रभाव है, ज्यादा करके, और साइलेंट सिनेमा का बहुत प्रभाव है, इवन के बाद में चल के जैसे ईरानी साहब ने भी खुद टॉकी फिल्म्स बनाई हैं 30 के दशक में, उन्होंने अपनी बहुत इस तरह से बहुत सारे, और लोगों ने सिर्फ इसी चीज के ऊपर रिसाइकल किया, स्टेज के ड्रामास, फिल्मों के लिए फिल्म बनने बने, फिल्मों के लिए कहानी लिखी जाए, ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं, नहीं तो सारे के सारी चीजें या तो साइलेंट फिल्मों से ले रहे हैं और नहीं तो उससे पीछे स्टेज के ड्रामा से ले रहे हैं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट वहां से आ जाती है, म्यूजिक वहां से आ जाता है, सॉन्ग्स वहां से आ जाते हैं। बंगाल में न्यू थिएटर्स के जो इम्पैक्ट है वो एक डिफरेंट तरीके का है, आरसी बोराल साहब, पंकज मलिक, तिमिर बरन, इन लोगों ने एक
गाने का स्ट्रक्चर बनाया कि एक प्रूलूड होगा, एक मुखड़ा होगा, अंतरे होंगे, इंटरलूड्स होंगे, और वो सारे को हम 3 मिनट के अंदर कैसे सीमित करेंगे, उसमें किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाएंगे। ये एक जो डेफिनेशन, स्टार्टिंग डेफिनेशन है, ये न्यू थिएटर से आती है, आरसी बराल साहब के काम से, पंकज मलिक के काम से, तिमिर बरन के काम से। इन लोगों ने गाने को वो रूप दिया जिसको हम आज पहचानते हैं। हमने इस वाले में हमने 2 गाने सुने जो कि सिर्फ 2 या 4 लाइन की डायलॉग टाइप चीज है, जिसको एज अ वर्स संगत के साथ प्रेजेंट कर दिया गया। एक हमने गाना सुना जो शायद बिब्बो ने गाया, जैसे मैंने मेंशन किया तवायफ का जो नाम आता है उस रोल में, वो अब एक बंदिश है जो ऑलरेडी अवेलेबल है क्लासिकल में, उसको हाँ कटीली निगाहों ने मारा, तेरी कटीली निगाहों ने मारा, वो चीज यूज हो गई एज एज अ सॉन्ग। फिल्मों के लिए जो सॉन्ग बनने हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो बंगाल स्कूल से आता है, वो न्यू थिएटर से आता है। संजीव जी आप कुछ कह रहे हैं? जैसा कि अर्ली फेज था ना 30s का, तो एक ट्रांजिशन फेज था सिनेमा की, जो लैंग्वेज है खास तौर पे टॉकीज की, वो तय हो रही थी। तो अभी तक जो साइलेंट सिनेमा का इन्होंने प्रभाव बोला, कम से कम 35-36 तक की फिल्मों में तो बीच में शायद वो भूल भी जाते थे कि हम टॉकी बना रहे हैं, बीच में वो सबटाइटल्स देना शुरू कर देते थे कई बार डायलॉग्स के साथ। ऐसा कई फिल्मों में देखा गया है जो रेयरली अवेलेबल है, 2-4। तो सीन चल रहा है, बीच में एक नरेशन की तरह उसमें डायलॉग आ गया लिखा हुआ कि भाई इसने ये हुआ इसके बाद। तो ये कॉन्सेप्ट उनको ये रियलाइज करने में कि शायद अब हम टॉकी में हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, शायद 4-5 साल और लग गए। हाँ हाँ, ये ट्रांजिशन का फेज। हाँ, तो ये एक मजेदार बात थी। और इसी ट्रांजिशन के भरोसा नहीं होगा कि हमने जो रिकॉर्ड किया है शायद समझ में आ रहा है कि नहीं, शायद ये भी है। और सच बात यह है कि वो गानों की जो भाषा है वो विकसित होने में भी 4-5 साल सचमुच लगे, और बंगाल स्कूल का एक इन्फ्लुएंस है, और उन्होंने प्लेबैक की भी शुरुआत की, तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। और बहुत जल्द हो गया 35, तो 5 साल में इतनी बड़ी रिमार्केबल अचीवमेंट ले लेना, क्योंकि हॉलीवुड ने ये सब एंड तक नहीं किया। उनके यहाँ जब भी म्यूजिकल्स होते हैं तो एक्टर को ट्रेन सिंगर जनरली होना ही चाहिए, होना चाहिए। हमारे यहाँ इस कॉन्सेप्ट को बहुत किस खूबसूरती से उन्होंने चेंज किया, ये भी अपने आप में एक लाजवाब चीज है। हाँ, अर्ली सिनेमा की एक बड़ी लाजवाब उपलब्धि। हाँ, अनूप जी आप कुछ कहेंगे प्लीज? हाँ, ये जब वजीर मोहम्मद खान साहब की बात हो रही थी, हाँ जी, तब मैंने वो गाना लिखा था काबुलीवाला में, वो गाना उन्हीं पर ही लिखाया गया था। हाँ जी 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 जी। और बलराज सहनी के रोल के लिए पठानी, उसकी पोशाक और बोलने का लहजा, ये सब उन्होंने ट्रेनिंग दी थी वजीर मोहम्मद खान साहब ने। जी जी जी, ये बताना था। दूसरा ये था, अनूप जी, अनूप, ये फिल्म करीब 1.5 महीने में बन गई। हाँ जी, उस समय 1.5 महीने में बन जाती थी, इसमें 4 महीने लगे, क्योंकि ये रात और दिन वाला चक्कर था और इतने ट्रेंड आदमी भी नहीं थे इनके पास, तो ये इसमें जरा ज्यादा समय लगा था। तीसरी बात आपने कही कि जो नॉन फिल्म गाने हैं उनका मुखड़ा फिल्म में आ जाता था, बल्कि उल्टा है, फिल्म के जो गाने हिट हो जाते थे उनको लेकर और मिलता जुलता गाना नॉन फिल्म के रूप में रिकॉर्ड कर देते थे। जैसे धर्म की देवी का बनाया तो धर्म की देवी टाइप सॉन्ग ऐसा करके लेबल पर लिख दिया, धर्म की देवी है ना, इस तरह से। हाँ, वो 35 के अनिल विश्वास की है, तेरे पूजन को भगवान, जी जी, रिकॉर्ड पर लिखा धर्म की देवी टाइप सॉन्ग, ऐसा कर देते थे। और आपने जो बताया कि आलम आरा का प्रिंट बहुत बाद तक था, ये कुछ जमा नहीं, क्योंकि अगर होता तो इतने फेस्टिवल होते कहीं ना कहीं तो दिखाई जाता, ये बहुत पहले ही नष्ट हो गई थी। मुझे भी, क्योंकि शबाना जी भी अपने प्रोग्राम में बोल रही कि फिल्म अब मिलती नहीं है। ओके, तो ईयर में कुछ भूल है। ओके ओके, ठीक। हाँ, तो अनूप जी, दो बात कहूंगा मैं।
आपने काबुलीवाला का जो सॉन्ग बताया गंगा आए कहां से, उनके ऊपर मेरे ख्याल जो सॉन्ग फिल्माया गया है वो है ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। हो सकता है ये बात। चलो वो वजीर मोहम्मद खान के ऊपर लिखा गया है। जी वो गाना बैकग्राउंड में है गंगा आए कहां से, नहीं वो सिंगर है वो देख के कंफर्म। हाँ वो गंगा के किनारे पे गाया गया है वो गाना, और बलराज सहनी देख रहा है कि कोई गा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस देने की कोशिश। हाँ क्योंकि वो, हाँ वो जो किरदार है वो लंबी दाढ़ी वाला ऐसा कुछ है। जो वजीर मोहम्मद खान पे फिल्माया गया है गाना वो ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन वो वाला है। अनूप जी मैं ठीक? तो दूसरी बात आपने जो कही कि फिल्म से गाने उसमें नॉन फिल्म में आ जाते थे, तो अनूप जी दोनों तरफ का ट्रैफिक है ये, क्योंकि जो सवाक फिल्मों में गाने इस्तेमाल हुए हैं उनकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स 20s या 10s में भी मिल जाती हैं, कुछ बंदिशों की या कुछ ऐसे गीतों की जो आगे आके इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने बात कही वो भी ठीक है कि फिल्म में गाना पॉपुलर हो गया और उसका एक नॉन फिल्म रिकॉर्ड हमारे को कुछ साल के बाद का पब्लिश हुआ मिलता है, वो भी बात ठीक है आपकी। तो मेरे ख्याल ये ट्रैफिक दोनों तरफ चलता था, जो गाना पॉपुलर हो गया उसको दूसरे मीडिया में या दूसरे लोग उसको कैपिटलाइज करने की प्रयास करते थे। अनुज जी को म्यूट कर दिया वापस। अच्छा खुद म्यूट कर दिया। नहीं आपने सही कहा, दोनों वो भी वही बात मैं कह रहा था कि दोनों तरफ चलता था। हाँ जी। और काबली वाला के लिए आपने जो बताया वो आपका बताया वो सही है जी। सुल्तान अरशद साहब भी हैं ऑनलाइन। गाने गाए हैं क्या? किन्होंने? खान में, फिल्मों में। हाँ एज ए सिंगर नाम लिस्टेड नहीं आता है, स्क्रीन के ऊपर इन्होंने और गाने गाए हैं कुछ साइड रोल्स में, जैसे कि काबली वाला ये सॉन्ग है। सुल्तान साहब कुछ आपकी तरफ से कमेंट्स प्लीज, इनको अनम्यूट कर सकते हैं एक। हाँ पवन जी कह रहे हैं। हाँ सुधीर जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार पवन जी। आपने इतनी बढ़िया तरह से इसका बताया आज, जो हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं थी, और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ आपकी आंख देखी है। आपने इतनी तन्मयता से और इतनी विस्तार से बताया जैसे लगता था सब कुछ अपने आंखों से देखा हुआ है। मैंने आपके अध्ययन पर मुझे मैंने बहुत ये है कि आपने इतना अच्छा अध्ययन किया और इतनी अच्छी तरह से आपने चीजें बताई, और हम लोग नेक्स्ट जनरेशन वालों के लिए ये बहुत एक बहुत उपलब्धि कह सकता हूँ मैं जो आपने सारी बातें बताई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पवन जी, आपकी मेरे को बात अच्छी लगी, लेकिन आप मैंने जो शुरू में 4-5-6 नाम बताए हैं उन लोगों से मेरे को बहुत सहयोग मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो क्या है कि एक सम्मिलित प्रयास होता है जी। जी जी और अभी संजीव जी साथ ही बैठे हैं और वो नोट्स बना के मेरे को कुछ कुछ साथ साथ याद दिला रहे हैं। क्या बात। तो जैसे स्ट्रक्चर है जो कि अलग है, हम लोग बात कर रहे थे उसी तरह लगता है मुझे कि जबान को बरतने का भी एक अलग इंटोनेशन एक अलग है, जो कि जो लगता है कि पारसी थिएटर से सीधा आ रहा है, लेकिन बंगाल स्कूल में थोड़ा सा डिफरेंट इंटोनेशंस हैं बोलने में भी। जी जी। तो एक तो जबान के जो अश्वर्ज ने पूछा है ना, वो कैम्ब्रिज से पूछ रहे हैं। अच्छा, सवाल ये। हाँ जी। कि तो ये कि जबान को लेकर क्या किस तरह के आग्रह थे, और दूसरा कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मेरी तरफ से उसमें जोड़ दिया मैंने कि बंगाल के इंटोनेशन से कैसे अलग था ये। तो इसमें जो ऐश्वर्य जी का सवाल है उसके आंसर में तो यही बात है कि ऑडियंस को देखते हुए कि ये पिक्चर अगर भारत में दर्शित पूरे भारत में प्रदर्शित की जाएगी तो हिंदी उर्दू का जो एक जिसको एक हिंदुस्तानी लहजा कहा जाता है उसकी डिक्शन क्लियर होने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी।
और पिछले सेशन में इस बात पे भी डिस्कशन हुई थी, संजीव जी ने ये चीज बताई थी कि जिस समय ट्रांजिशन होता है साइलेंट मूवीज से टॉकी मूवीज में, तो कितने ही मेजर स्टार्स हैं साइलेंट मूवीज के जो साइड में रह गए क्योंकि उनकी आवाज और उनकी डिक्शन क्लियर नहीं थी। ऐसे ऐसे चीज प्रेजेंट करी जाए और ऐसे बात बोली जाए कि आम आदमी को समझ में आए, वो चीज क्लियर होनी चाहिए थी। उसके अंदर अगर बहुत ज्यादा मराठी एक्सेंट है या बहुत ज्यादा गुजराती एक्सेंट है और वो नहीं वर्ड्स को क्लियरली पकड़ने की परमिशन देता तो उन लोगों को मुश्किल हुई। बंगाल की जो एक बात है, एक मैं एक चीज ये मानता हूं कि हो सकता है इस चीज को मैं गलत प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन एक रविंद्र संगीत का इम्पैक्ट है वहां पे, एक सॉफ्टनेस और एक लिरिकल प्रेजेंटेशन है बंगाल की थोड़ी सी डिफरेंट जो लगती है हिंदुस्तानी से। तो उस कारण से मैं ये कहूँगा कि बंगाल वाली प्रेजेंटेशन थोड़ी सी दूसरी तरह से कर्णप्रिय लगती है। इस बारे में कोई और जोड़ना चाहे तो प्लीज कहिए। मैं हाँ जी हाँ बात बंगाल स्कूल की जहां तक बात कर रहे हैं ना, बंगाल स्कूल में और हम हिंदी फिल्मों की बात करें, अगर बांग्ला फिल्मों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तब तक बड़ी कामयाब थी जब तक वहां न्यू थिएटर्स या दूसरी संस्थाओं में हमारे हिंदी बेल्ट के लोग थे। आप ये देखिए कि 42-43 के बाद जैसे ही ये लोग बंबई मूव करते हैं तो उनकी हिंदी फिल्मों का स्तर तो मेंटेन नहीं रख पाते, तो जाहिर है कि उनकी बैकबोन वही थे जैसे केएल सहगल साहब, केदार शर्मा और इस पृथ्वीराज कपूर जी भी वहां रहे हैं। तो इस तरह के लोग जब तक वहां थे तब तक क्रीम थी उनके पास बेसिकली, और एक और बात थी क्रिएटिव फ्रीडम उन्होंने क्रीम को दिया हुआ था अनलाइक द बॉम्बे सिनेमा। लेकिन पतन हो गया था उसके बाद ही मूवमेंट शुरू भी होता है ना। नहीं देखिए पैसा नहीं था ना उनके पास इतना जितना बंबई वर्ल्ड में, ग्लैमर वर्ल्ड ने सबको एक एक करके बोला इधर आइए तो सब लोग आ गए। फिर बंगाल में हिंदी सिनेमा जो है मुझे नजर नहीं आता उसके बाद से। तो ये जरूर एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनकी फिल्में ज्यादा रिफाइंड थी क्योंकि पोइट्री लिटरेचर और क्रिएटिव फ्रीडम टू द आर्टिस्ट तीनों चीजें वहां मौजूद थी, अनलाइक द बॉम्बे जहां फाइनेंस ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर रहा था और अभी तक करता है। फ्रीलांसिंग उसके बाद हुई है शुरू सर 50s में या लेट 40s में आप कहेंगे। हाँ वो ठीक है लेकिन बड़े बड़े स्टार ही फ्रीलांस हुए इनिशियली तो। हाँ लेकिन स्टूडियो से फ्री होने का मतलब क्रिएटिव फ्रीडम मिलना नहीं होता ना, दो अलग अलग चीजें हैं। पर ठीक है ये भी एक पॉइंट है जिससे ग्रोथ में थोड़ा सा बदलाव आता। तो आवाज कब पाई हिंदी फिल्मों में? नहीं पाई। नहीं पाई ना, वो मराठी के ही एक्टर रह गए है ना जी। इसी वजह से इसी तो एक बड़ी वजह है कि विट्ठल साहब खुद ही इतने बड़े स्टार थे लेकिन उनको हिंदी फिल्मों में इस्तेमाल नहीं किया जैसा संजीव जी कह रहे हैं। जी हाँ अनूप जी, when did western films changed टॉकीज़? ने बाद में कई हिंदी फिल्मों में काम किया। हाँ और वो ब्रांडी की बोतल और ब्रह्मचारी ये सब बहुत फेमस हुई। जी जी हैं तो लेकिन बहुत मेजर रोल्स नहीं कर पाए कुछ कुछ उसमें तो हीरो का रोल किया इसमें। अच्छा धीरे धीरे सीख गए हिंदी बोलना। अच्छा हाँ क्या बात है ये दिलचस्प है शुक्रिया जी। हाँ सुल्तान साहब आप कुछ कहें प्लीज, आप अनम्यूटेड हैं। सर मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है जी जी जी। थैंक यू वेरी मच। बात ये है कि अभी जो जो स्टार्स थे आलमारा के, मेरे ख्याल से उनके जो बैकग्राउंड्स थे फैमिली बैकग्राउंड या दूसरे बैकग्राउंड, उनके बारे में शायद ज़्यादातर के सबको पता है। पृथ्वीराज जी पेशावर से आए थे, पठान खानदान था जी। विट्ठल मास्टर विट्ठल के बारे में बातचीत हो रही है, फिर बिब्बो और जिल्लो भाई इसी तरीके से
किस तरीके से कहाँ से आई थी, क्या मामला था। अच्छा, जुबैदा का फैमिली बैकग्राउंड क्या था? ये पारसी परिवार से है, गुजराती, मुस्लिम गुजराती। अच्छा जी, बताइए जी। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जी जी, प्लीज प्लीज। देखिए, सूरत से कोई 9 मील के फासले पर एक छोटा शहर है, सचिन। अच्छा जी। सचिन वॉज ए स्मॉल प्रिंसली स्टेट, मुस्लिम प्रिंसली स्टेट जी। तो उस जमाने में जो नवाब, जो राजा थे, हम सबको मालूम है कि उनकी एक तो कोई ऑफिशियल बेगम होती थी या रानी होती थी, उसके अलावा अनऑफिशियल भी बहुत सारी होती थी जी। तो ये जो उस वक्त नवाब थे, उनकी एक उसी तरीके से अनऑफिशियल बेगम थी फातिमा बेगम, जो पहली इंडियन फीमेल डायरेक्टर मानी जाती हैं, फातिमा बेगम जी। फातिमा बेगम की 3 बेटियां, उसमें से एक जुबैदा भी थी जो फर्स्ट फीमेल इंडियन फिल्म डायरेक्टर फातिमा बेगम थी। उनकी 3 बेटियां तीनों फिल्मों में आई, जुबैदा, सुल्ताना और शहजादी जी। जी, राइट राइट। अच्छा, और उनकी एक और अनऑफिशियल बेगम से एक और बेटी थी, वो भी फिल्मों में आई और उनका कैरियर सबसे लंबा रहा, वो थी मेहताब। तो मेहताब और जुबैदा जो थी वो हाफ सिस्टर्स थी जी। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जुबैदा इनफैक्ट शी वाज ए प्रिंसेस। हाँ जी, शी वाज डॉटर ऑफ ए नवाब। ऑल दीज 4 वर डॉटर्स ऑफ ए नवाब। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, ये तो बहुत बढ़िया आपने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है जी। और ये रॉयल फैमिली का कनेक्शन जो आपने बताया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि ऊंचे घरों से और ऊंचे परिवारों से लोग फिल्मों में आसानी से आते नहीं थे। जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो वो बात वही हो गया कि अनऑफिशियल बेगम की बेटियां थी, इसलिए वो आ गई। ये मामला हुआ। अच्छा। तो इनमें से दो के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, एक सुल्ताना और एक शहजादी। उन्होंने भी साइलेंट इरा की फिल्मों में काम किया। तो अभी तो बस मैं, बाकी तो सब बातें आपने की और इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली, सब कुछ हुआ। मैं सिर्फ यही एक बात आपको बताना चाह रहा था कि बाकी सबका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड तो तकरीबन पता ही था, लेकिन ये कि जुबैदा के बारे में शायद बहुत कम लोगों को, शायद ही बहुत कम लोगों को ये बात मालूम हो, दैट शी वाज द डॉटर ऑफ ए नवाब। बहुत 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 शुक्रिया सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया। Does the song create differences between moment and movement? I mean, rupture or continuity? In terms of sound. ये बात दोनों तरफ से ठीक है एक्चुअली, क्योंकि ये बात डायरेक्टर के हाथ में हुई। डायरेक्टर ने उसको किस तरह से प्रेजेंट किया, उसको फिल्म के कहानी से किस तरह से जोड़ा। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी पिक्चरें हम देखते हैं जिसके अंदर गाना एक ऑब्स्ट्रक्शन लगता है कि ये कुछ कर नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन इसको डाला गया है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं, और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि कहानी के साथ साथ गाने जो चल रहे हैं, हमारे को पता भी नहीं लगता है कि ये कब आ गए और कब सुन लिए और कब हम आ गए कहानी में चल पड़े। तो ये डायरेक्टर के हाथ की बात मैं मानता हूँ कि वो किस तरह से इसको हर सिचुएशन को हैंडल करेंगे। और कोई इस बारे में, लेकिन पुराने गानों में, मतलब पुराने वक्त में कोशिश की जाती थी कि इंटीग्रेट कर दिया जाए, रप्चर ना दिखे, डिस्टरबेंस ना दिखे, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाए जी, जी। और कहानी को एक ऐसे धनंजय ऐसे भी देखा जा सकता है कि कई बार कहानी के ऐसे पक्षों पर भी गाने
रोशनी डालते थे जिनका कहानियों में ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था, जैसे कैरेक्टर को डेवलप करने में भी उनका इस्तेमाल होता है ना। संजीव जी, हाँ, अभी सुल्तान साहब ने जो जुबैदा जी के बारे में बताया, संजीव जी थोड़ा कुछ और उसमें ऐड करना चाह रहे हैं। जुबैदा जी ने राजा धनराजगीर से शादी या अनऑफिशियली उनके साथ रही है थ्रू आउट द लाइफ, और धनराजगीर महल था उनका बंबई के अंदर, हालांकि उनकी रियासत का हिस्सा नहीं था ये, लेकिन ये मुंबई के ताज होटल के पास बहुत एक शानदार सी बड़ी प्रॉपर्टी है जिसमें बड़ी शानो शौकत के साथ जुबैदा जी ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई फिल्मों से दूर रहते हुए। और उसके अलावा उनकी एक नातिन थी रिया पिल्ले जी, जो संजय दत्त के साथ ब्रीफली एसोसिएटेड रही। तो ये एक अतिरिक्त सूचना है जो शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगी जी। थैंक यू संजीव। हाँ, और कोई प्लीज कहें। जो विदेशी फिल्म है वेस्टर्न फिल्म्स का 1929 में ना, 27 में, 1927 इट वाज व्हेन द वेस्टर्न फिल्म्स स्टार्टेड स्पीकिंग। जैज सिंगर जो मैंने मेंशन किया था, और एक्चुअली संजीव जी ने भी अपने पिछले सेशन में मेंशन किया था, जैज सिंगर इज द फर्स्ट टॉकी फिल्म फ्रॉम हॉलीवुड, और बहुत जल्दी इंडिया तो सब कुछ जो कुछ हॉलीवुड क्रिएट करता है इंडिया सिनेमा बहुत जल्दी उसको पिक करता है, ये हमने देखा है। तो वहां पे 27 में आई और 31 में यहाँ पे आई। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हेलो, हाँ जी बताइए सुल्तान जी। सर मेरा ख्याल है कि जैज सिंगर वो पार्टली टॉकी एंड पार्टली साइलेंट। हाँ जी, नॉट अ फुली टॉकी फिल्म। यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू, that is also true, it is, but that was the first experiment जहाँ पे sound को use किया था Hollywood में, पर वो fully 100% talkie नहीं थी, ये बात। और मैंने ये पढ़ाया कि इनको शुगर की बीमारी हो गई थी, जुबैदा को शुगर की बीमारी हो गई थी, इनकी एक टांग एम्प्यूट की गई थी। जी हाँ, ये ठीक है, और इसीलिए वो बड़ी मुश्किल से उनको व्हीलचेयर पे बिठा के, और जब वो आई हैं उनका आखिरी पब्लिक अपीयरेंस मेरे ख्याल से जो था वो वही था मॉर्टल मैन इमॉर्टल मेलोडीज में, जहाँ उन्होंने वो गाना भी गुनगुनाया था बदला दिलवाएगा यारब। तो वो उस वक्त मेरे ख्याल है वो शायद वो एम्पिटेट हो चुकी थी टांग उनकी, और वो व्हीलचेयर पे बिठा के वहां लाई गई थी। हाँ, आपकी बात सुल्तान जी ठीक होगी, क्योंकि ये गाना जो था ये प्रोग्राम से पहले रिकॉर्ड करके वहां पे बजाया गया था, और इनको स्टेज पे नहीं लाया गया था, हालांकि ये ऑडियंस में बैठी नजर आती हैं। जी। हाँ, आपकी बात ठीक है, ये उस समय ऊपर स्टेज पे नहीं चढ़ पाई होंगी। लोग कुछ कहना चाहेंगे? अतुल जी, विभूति जी, वेनी माधव जी, गोखले साहब, ठीक है, अगर और कोई सवाल नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, अगर कुछ और नहीं कहना है तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया कि कैम्ब्रिज से और कराची से और कोलकाता तो है ही, और कई जगहों से लोग आए जुड़े, और ये सिलसिला हम काफी जगहों से लोग जुड़े ये सिलसिला हम रखेंगे आगे भी जारी, और बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, सुधीर जी खास तौर पर आपका, आप चाहे जितने लोगों के नाम लें, प्रस्तुति आपकी बहुत अच्छी थी, बेहतरीन थी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और अयोध्या जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना मेहनत करके ये सब कुछ सेटअप किया। ठीक है, और सचिन का भी, ठीक है, और ये हमारे को रिकॉर्डिंग YouTube पे अपलोड करके कुछ टाइम में दे देंगे, ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी, है ना, मौजूद होगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू सर, थैंक यू जी।